गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। चलिए अब श्री गुरुदेव का नाम लेके आज का सत्संग जो है शुरू करते हैं। ये जो बात हम करते हैं सिद्ध योग की, ये सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन, सिद्ध योग से मिलने वाला ज्ञान, सिद्ध योग से जो आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन में जो परिवर्तन आते हैं उनको समझने के लिए जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो प्रश्न उठते हैं, जो चेंजेस आते हैं, उनके लिए हम बात करते हैं। सिद्ध योग का सत्संग है। आज शनिवार है, शनिवार को हम पतंजलि अष्टांग योग की चर्चा करते हैं बच्चों को समझाने के लिए। तो एक सूत्र कभी दो सूत्र करते हैं, तो सबको ही सुनना चाहिए, बड़े ही अच्छी है पतंजलि अष्टांग योग, सबको ही सुनना चाहिए। आज जो है हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे, क्योंकि आज अभी तक हमने जो किया है वो किया है पतंजलि अष्टांग योग चार भागों में विभाजित है। मैं थोड़ा सा इसका सुन लो बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी ध्यान में, अभी ध्यान में उनको बोलो बोलो आने के लिए। एक मिनट वहां पे ऑन कर दो, वहां पे ऑन कर दो। हाँ अब हो जाएगा ध्यान, तो फिर इधर आ जाएगा। अच्छा, तो अभी तक जो हमने पतंजलि अष्टांग योग में जो किया है वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि आप सबको पतंजलि ऋषि के बारे में बातें पता है। अष्टांग योग जो है, पतंजलि अष्टांग योग, अष्ट का मतलब होता है आठ, अष्टांग अंग का मतलब होता है आठ अंगों वाला योग। अब ये आठ अंगों वाला जो योग है, इसका अर्थ है कि हम जब योग करते हैं तब उसमें आठ प्रकार के अलग अलग स्थितियां प्रस्तुत होती हैं। पहली स्थिति है यम की, दूसरी है नियम की, यम नियम, फिर स्थिति है आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये आठ अलग अलग अवस्थाएं हैं योगियों की, ठीक है? ये आठ चीजें सिद्ध होती हैं। यम सिद्ध होता है, नियम सिद्ध होता है, आसन सिद्ध होता है, प्राण सिद्ध होते हैं, प्रत्याहार सिद्ध होता है, फिर धारणा सिद्ध होती है, ध्यान सिद्ध होता है, ठीक है, और फिर समाधि सिद्ध होती है। तो ये सारी चीज़ें सिद्ध होने का अर्थ है कि हमें इन चीज़ों का पूर्ण ज्ञान हो जाता है और हमारा इन पे पूर्ण अधिकार हो जाता है। इन चीज़ ये सारी चीज़ें हमारे बस में हो जाती हैं, ठीक है? तो आठ अलग अलग स्थितियाँ सिद्ध योग में आती हैं योग की, ठीक है? ये है अष्टांग योग। अच्छा, इसके बाद ऋषि ने कहा है, पतंजलि ऋषि ने कहा है कि ये जो आठ स्थितियां हैं, आठ अवस्थाएं हैं अलग अलग, ये हमें अगर समझना हो कि हम किस स्थिति में हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यम सिद्ध हो गया और कुछ दूसरा सिद्ध नहीं हुआ। यम और नियम तो हमारा व्यवहार है, प्राणायाम है, आसन है। तो क्या होता है कि जब ये चीज़ें होती हैं तो हम किन चीज़ों से गुजरते हैं, हमारे हमारे शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं, हमारे थॉट प्रोसेस कैसे होते हैं, हमारी सोच कैसी होती है, या फिर उस समय हमारे जीवन में क्या घटना घट रही होती है, उसको समझने के लिए कि आपका कौन सा अंग सिद्ध हो रहा है, आसन सिद्ध हो रहा है, यम सिद्ध हो रहा है, नियम सिद्ध हो रहा है, प्राण सिद्ध हो रहे हैं, या ध्यान सिद्ध हो रहा है, धारणा सिद्ध हो रही है, या समाधि सिद्ध हो रही है, आपका आठ अंगों में से कौन सा अंग है जिस पे काम चल रहा है, इसको समझने के लिए वो हमें बताते हैं कि मैं तुम्हें 195 सूत्रों में ये सब चीज़ें बताऊंगा। तो 195 सूत्र बताने से पहले वो कहते हैं कि इन 195 को मैं चार भागों में विभाजित कर देता हूँ, मतलब चार भागों में डिवाइड कर देता हूँ। तो उन्होंने 195 सूत्रों को चार भागों में विभाजित किया। उन्होंने क्या, देखो ये जो आठ अंग हैं इनको समझने के लिए भी आपकी चार अलग अलग तरह की स्थितियाँ रहती हैं, आपको चार अलग अलग प्रकार के व्यवस्था में आप रहते हो। पहला आप रहते हो समाधि पाद, दूसरा आप रहते हो साधन पाद, तीसरा रहते हो विभूति पाद, और चौथा रहते हो कैवल्य पाद, ठीक है? अब बहुत महत्वपूर्ण बात ये है
कि ऋषि कहते हैं कैवल्य पद लास्ट में है। कैवल्य पद का अर्थ है समाधि, ठीक है, यानी कि समाधि की अवस्था होना। और पहले वाला जो पाठ है, पहले वाला जो अध्याय है, उसका नाम है समाधिपाद। तो समाधिपाद और कैवल्यपाद दोनों एक जैसे ही लगते हैं, बीच में आ जाता है साधनपाद और विभूतिपाद, ठीक है। अब ये जो पहला वाला है समाधिपाद और लास्ट वाला है कैवल्यपाद, ये ऑलमोस्ट दोनों एक तरह से ही देखे जा सकते हैं, ये दोनों एक तरह के ही हैं। क्यों हैं? क्योंकि हमारी साधना शुरू होती है साधन से, हम कुछ साधन करेंगे, हमें क्या साधन करना है, सुबह शाम ध्यान करना है और दिव्य मंत्र का जाप करना है, गुरुदेव के प्रति समर्पित रहना, ये हमारा साधन है, ठीक है। हमने शुरू कहाँ से किया, गुरुदेव कहे कि मंत्र जाप करो और दो समय ध्यान करो, तो उन्होंने हमें क्या दिया, साधन दिया, इसको क्या बोलते हैं, साधन, साधना या साधन बोलते हैं। साधन का अर्थ होता है जैसे मुझे यहाँ से जाना है बाजार तो मैं साइकिल पे जाता हूँ, तो मेरा बाजार जाने का साधन क्या है, साइकिल। तो हाँ, तो हम योग कर रहे हैं, तो हमें मूलाधार से, हमारी चेतना को मूलाधार से सहस्त्रार पर जाना है, तो कैसे किस कैसे किस कैसे जाएगी, साधन से जाएगी, वो साधन, हाँ, तो वो साधन क्या है, नाम जाप और ध्यान, नाम जाप और ध्यान। हाँ, तो हम क्या कहते हैं अपनी साधना को, साधन नहीं, साधना नहीं कह के क्या कहते हैं, साधन कहते हैं, ठीक है। साधन का अर्थ भी यही है कि हम कैसे जा रहे हैं ऊपर, अलग अलग साधन होते हैं ना, ये साधना तो एक ही है कि साधना कर रहे हैं, भाई किसकी साधना कर रहे हैं, शिव की कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, विष्णु की कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, ये योग कर रहे हैं, सहज योग कर रहे हैं, हठ योग कर रहे हैं, वो सारा साधना साधना आ जाती है कि कुछ कर रहा है आदमी, लेकिन कैसे कर रहा है, वो कैसे कर रहा है का अर्थ है साधन क्या है। यहाँ से बाजार तुम कैसे जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, ऑटो से जा रहे हो, किससे जा रहे हो, तो साधन क्या है। तो हर योग का अलग अलग साधन होता है, ठीक है। हमारा साधन क्या है, नाम जप ध्यान गुरु प्रति समर्पण, ठीक है, ये तीन चीज़ें हमें साधन है हमारा। अब यानी कि हमारी यात्रा शुरू होती है साधन से, तो पहला पाद साधन होना चाहिए, साधन पाद होना चाहिए, तो उन्होंने पहला कौन सा दिया, समाधि पाद। तो पहले उन्होंने बताया कि भैया देखो तुम बाजार जाओगे ना, तो वहाँ से आम लेके आना, केले लेके आना, अमरूद लेके आना, फूल लेके आना, फल लेके आना, ये सब्जी लेके आना, ठीक है। तो पहले उन्होंने हमें लिस्ट दी कि जब तुम जाओगे ना भैया साइकिल लेके, साधन ये वाला साधन करोगे ना साइकिल लेके, तो तुम्हें बाजार में क्या मिलेगा, अमरूद मिलेंगे, सेब मिलेंगे, अनार मिलेंगे, तो तुमको ये सब मिलेगा। तो उन्होंने पहले वाले में, पहले समाधि पाद में साधन के बारे में कुछ नहीं बताया। हमारी यात्रा में हमें क्या क्या मिलेगा पहले बता दिया कि तुम यहाँ से वहाँ जाओगे तो तुम्हें क्या क्या मिलेगा, ठीक है, और कैसे मिलेगा, क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे मिलेगी, कौन से रंग की होगी, अनार लाल रंग के होंगे, सेब लाल और हल्के हल्के पीले होंगे, अमरूद हरे होंगे, अंगूर होंगे छोटे छोटे। तो उन्होंने पहले समाधि पाद में हमें कैवल्य पाद का, साधन पाद का और विभूति पाद का हल्का हल्का ओवरव्यू दिया है कि यहाँ से जाना है, साइकिल उठानी है, साइकिल पे चला के वहाँ जाना है, बस स्टैंड पे उतरना है, वहाँ से फिर तुमको साइकिल स्टैंड पे लगा के वहाँ पे बैठना है, ये फल खरीदना, मतलब उन्होंने पूरा रास्ता हमें ओवरव्यू बताया। अभी हम गए नहीं, अभी वो हमें सिर्फ रास्ता बता रहे हैं, कैसे जाना है बता रहे हैं और वो सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो जब हम ऋषि हमें सिर्फ ओवरव्यू समझा रहे हैं, बेसिक समझा रहे हैं, तो कहाँ समझा रहे हैं, कौन से पाद में समझा रहे हैं, समाधि पाद में समझा रहे हैं। समाधि पाद, तो समाधि पाद क्या है, सिर्फ समझने का विषय है, छोट जैसे मैं आपको कह दूँ, देखो तुम चांद पे जाओगे ना, चांद पे बहुत सारी मिट्टी है और जब आप जंप करोगे तो आप इतना ऊँचा जाओगे और चांद पे ये है, तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप चांद पे गए तो नहीं ना। तो ये समाधि पाद हमें सिर्फ ज्ञान देता है, हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन इससे हमें साक्षात्कार नहीं होता, कोई हमें बता दे उससे हमें साक्षात्कार नहीं होता। तो समाधि पाद क्या चीज है, सिर्फ समझने का विषय है कि हम अपनी साधना में क्या क्या पाएंगे, क्या क्या समझेंगे, क्या क्या करना है, कैसे कैसे होगा, लेकिन डिटेल में नहीं है कि ये हो रहा होगा तो हम कैसा फील करेंगे, वो कहाँ पे फील करेंगे, विभूति पाद,
और साधन पाद के बीच में जब हम साधन कर रहे होंगे तब क्या क्या हो चीजें हो रही होंगी, तब हमें पहला वाला चैप्टर याद आएगा समाधि पाद कि ये होने से कहीं ये तो नहीं हो रहा, कहीं वो तो नहीं हो रहा, ये तो नहीं हो रहा। तो हमें वो पहली चीज ध्यान में रहेगी कि यहाँ से उन्होंने कहा था कि यहाँ होने से मोड़ लेना है, राइट मोड़ लेना है, यहाँ से लेने से राइट लेफ्ट मोड़ आएगा। तो हमें साधन में, साधन करते समय विचलन नहीं होगी, साधन करते समय हम कंफ्यूज नहीं होंगे, साधन करते समय हमें डर नहीं लगना चाहिए, साधन करते समय हम भटक ना जाएं, साधन करते समय हम किसी भी रूप से अपनी साधना को छोड़ ना दें या हमें रास्ता नहीं पता। कोई जाता है ना, पापा मम्मी भेजते हैं जाओ जाके सामान लेके, और वो जाते हैं बोला मुझे तो दुकान ही नहीं मिली। बोला तुझे दुकान ही नहीं मिली क्या यार, क्या गजब किया तूने, तुझे बताया था यहाँ से जाना सीधा, फिर लेफ्ट लेना, फिर राइट लेना। बोला हाँ मैंने लेफ्ट लिया, उसके बाद मुझे समझ ही नहीं आया तो मैं वापस आ गया। तो ऋषि क्या करते हैं, ऋषि आपको कहते हैं कि मैं तुम्हें भेज रहा हूँ कैवल्य पद की तरफ, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हें पूरा रास्ता बताता हूँ। तो समाधि पाद क्या है, रास्ता बताना कि क्या हो रहा है रास्ते में। समझ में आ गई बच्चों, समाधि पाद क्यों क्यों दिया गया है, रास्ता बताया गया कि ये रास्ता है यहाँ यहाँ होना, ताकि बीच में रुकना नहीं, वापिस नहीं आना, घबराना नहीं। तो वो हौसला बंधा रहे हैं हमें कि पूरी करके आना यात्रा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने शुरू किया समाधि पाद। तो समाधि पाद में ऋषि हमें सबसे पहले, पहले जो सूत्र है उसमें हमें कहते हैं कि चलो शुरू करें, मार्केट जाना है अभी, अब यहाँ से मार्केट जाने का रास्ता शुरू होता है। तो वो कहते हैं अथ योग अभ्यास, क्या वो पहला सूत्र क्या है, अथ योग अभ्यास अभ्यासनम, अथ योग अनुशासनम, अनुशासनम। क्या बात है, देखो मुझे याद नहीं है, कितना नॉन सीरियस स्टूडेंट हूँ मैं। अच्छा चलिए, तो पहला सूत्र क्या है, अथ योग अनुशासनम। और यहाँ से वो कहते हैं यात्रा तुम्हारी शुरू होती है, तुम यहाँ से जाना, ठीक है, इसका अर्थ है कि अब तुम्हारी यात्रा शुरू होगी। हमने डिटेल में किया था ये सूत्र, ठीक है। फिर दूसरे सूत्र में वो कहते हैं, अच्छा हम कहते हैं कि हम, फिर हमारे प्रश्न शुरू होते हैं, उनसे पूछते हैं हम, बोलते हैं ठीक है जी हम यहाँ से चले गए गुरु जी, उसके बाद, तो बोलते हैं उसके बाद क्या होगा, तुम देखोगे तुम्हारी योग की वृत्तियों का सारा निरोध हो जाएगा, जाना या ये शुरू रास्ता बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ से जाओ और याद रखना कि तुम्हारी सारी वृत्तियों का निरोध हो जाएगा, सारी वृत्तियाँ सर्वथा रुक जाएंगी, उसे ही योग कहते हैं, ये याद रखना। तो जब हम जाते हैं तो पहले क्या कहते हैं, भाई देख टमाटर लेके आने हैं, प्याज लेके आने हैं, या फिर आलू लेके आने हैं, जो भी लेके आना है, फल लेके आने हैं, ठीक है, तूने फल लेके आना है। तो पहले हमें टारगेट दे दिया जाता है, ठीक है, पहले बताया जाता है तूने जाना है। तो हम कहते हैं मैं क्यों जाऊँ, भाई को भेज दो, बहन को भेज दो। तो बोलते नहीं तुझे जाना है। तो बोले चलो मैं रेडी हो गया जाने के लिए। तो कहते हैं अथ योग अनुशासन, अब तेरा योग शुरू होता है, अब तेरी यात्रा शुरू होती है। दूसरे में मैं कहता हूँ कि अच्छा जाना कहाँ है, क्या करना है, क्या लाना है। तो बोले तेरी योग की सारी वृत्तियों का निरोध करना है, मतलब कि तेरी सारी वृत्तियों को रोकना है। मैं कहता हूँ अच्छा वो क्या होता है, योग वृत्तियों को रुक जाना क्या होता है, फिर मैं प्रश्न पूछता हूँ। फिर वो तीसरे सूत्र में बताते हैं कि जो तू है, तेरे को पता नहीं है कि तू क्या है, तू आत्मरूप है। तो तेरी जो स्थिति है ना, तू अभी सोच रहा है कि भाई को भेज दो, मैं क्यों जाऊँ, मुझे सोना है, मुझे खाना है, तो तू अपने आप को शरीर समझ रहा है। तो मैं जहाँ तुझे भेज रहा हूँ वहाँ पर तेरे को पता चलेगा कि तू कौन है, तू आत्मा है, तेरी अपने रूप में स्थिति हो जाएगी वहाँ जाके। तदा दृष्टः स्वरूपे अवस्थानम्। हाँ, तदा दृष्टः स्वरूपे अवस्थानम्, ठीक है। अब ये मैंने कहा अच्छा मेरे रूप में स्थिति हो जाएगी, अच्छा जब मेरे रूप में स्थिति नहीं होगी वहाँ पे, तब मेरी कौन सी स्थिति है। तो फिर वो चौथे सूत्र में क्या कहते हैं, बोलो, कहते हैं चौथे सूत्र में सारूप्य मित्रत्र, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। मैं भी आपके साथ सीख रहा हूँ बेटा, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, मैं भी कुछ बहुत कोई ट्रेंड नहीं हूँ, मुझे तो ये बिठा देते हैं ना गुरुदेव, तो मैं भी आपके जैसे हूँ, मैं भी आपके साथ सीख रहा हूँ। तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं आपके साथ सीख रहा हूँ। जब मैं आपको बता रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें मैं भी सीख रहा हूँ आपके साथ, ठीक है, हम सब सीख रहे एक साथ। सिखाने वाला कौन है, गुरुदेव जी, गुरुदेव जी, गुरुदेव, तो जय श्री गुरुदेव। अच्छा फिर वो क्या कहते हैं कि हमें क्या कहते हैं कि मैं उनको कहता हूँ, क्लिष्ट अक्लिष्ट। हाँ, तो पहले हमें उन्हें कहा तुझे जाना है, फिर तुझे कहा तेरा क्या होगा, तेरा योग का वृत्तियों का हमेशा के लिए रुक जाएंगी, निरोध हो जाएगा,
फिर मैं कहता हूँ कि उससे क्या होगा, तो कहते हैं तेरे रूप में तेरी स्थिति हो जाएगी, तू आत्मा रूप है, तू जान जाएगा। तो मैंने कहा जब मैं आत्मा रूप में नहीं हूँ तब फिर मैं कौन हूँ, अब आज मैं कौन हूँ जब मैं आत्म रूप में स्थित नहीं हूँ, आप मुझे भेज रहे हो तो मैं कौन हूँ? तो बोला तू एक शरीर है, तू शरीर है, तेरी तेरा एक चित्त है, तू समझ रहा है कि तू शरीर है। तो चौथे में उन्होंने कहा है कि तेरा जो अभी इस समय की स्थिति है वो चित्त के स्वरूप है, ठीक है। फिर पांचवे में मैं उनसे पूछता हूँ कि ये चित्त की हाँ चित्त जी। है, चित्त की वृत्तियां तो भैया पता नहीं कितनी है, मैं तो पता नहीं क्या क्या करता हूँ, ऐसे ऐसे हाँ। करता हूँ, तो मेरी स्थिति मुझे समझाओ। तो बोलते देख चित्त जो होता है ना, चित्त की वृत्तियां होती हैं। तो मैं कहता हूँ वृत्तियां तो बहुत हो सकती हैं। तो वो कहते हैं नहीं, वृत्तियां होती तो बहुत है, ठीक है, जैसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन दो प्रकार के हैं, एक एक पुरुष और एक स्त्री, ठीक है। पुरुष तो बहुत सारे हैं, स्त्रियां भी बहुत सारी हैं, लेकिन मूलतः तो दो प्रकार के ही है ना, हाँ तो तीन प्रकार के हैं, एक जो स्त्री और पुरुष में नहीं भी आते, जिन्हें हम कहते हैं जो शादियों में आके हमारे नाचते हैं, ठीक है, तो वो भी एक तरह की मानव जाति ही है, लेकिन वो अलग प्रकार के, ठीक है। तीन प्रकार के मूलतः हैं, एक है स्त्री और पुरुष, तीसरे जो है वो स्त्री और पुरुष दोनों में नहीं आते, ठीक है, या कहते दोनों में ही आते हैं। तो वो कहते हैं इसी तरह से वृत्तियां हमारी बहुत है, लेकिन वृत्तियों को पांच रूप में हमने रखा है, समझने के लिए कि तुम कौन सी वृत्ति है उसको पांच रूप में बांधा है। तो उन्होंने फिर कह दिया यहाँ पर वृत्तयः पंचतः क्लिष्ट अक्लिष्ट, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने मुझे चित्त का रूप बताया, जब मैंने उन्होंने कहा कि मैं अगर चित्त के रूप में स्थित हूँ तो क्या हूँ मैं, चित्त क्या होता है, तो चित्त पांच प्रकार के घेरे हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ ही जब उन्होंने कहा कि चित्त आ गया है, तो चित्त के साथ ही हमने ये भी समझा था कि चित्त मूलतः तीन प्रकार के वृत्त में रहता है, हर वृत्त में पांच पांच वृत्तियां रहती हैं, लेकिन मूलतः तीन वृत्त होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, गुण। चित्त के तीन गुण होते हैं, तमस गुण, रजस गुण और सत्व गुण। हर गुण के अंदर में पांच वृत्तियां होती हैं, जैसे तमस गुण की पांच वृत्तियां हैं, उनके दो रूप होते हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, और रजस में भी पांच वृत्तियां होगी हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, सत्व में भी होगी। तो कहने का अर्थ है कि हम किसी भी गुण में होंगे तो हम इधर भी फिसल सकते हैं और उधर भी फिसल सकते हैं। तो हमारी यात्रा है तीनों गुणों से बाहर जाने की, यानी कि अपनी वृत्तियों से पूर्ण रूप से मुक्ति हो जाना, ठीक है। तो हर जगह पे हम नीचे भी गिर सकते हैं, ऊपर भी उठ सकते हैं। बहुत साधु होते हैं ना, कोई कोई साधु बन जाता है, अच्छा साधु बन जाता है, लेकिन फिर वापस दुनिया में आता है और लोग उसे कहते हैं आप तो साधु हो जी, आप तो ज्ञानी हो, महापुरुष हो, हमारा उद्धार कर दो। तो बोला क्या करेंगे उद्धार, बोला हम आपको पैसे देंगे। तो बोला पैसे से पैसे देंगे, तुमको घर देंगे, ये देंगे, वो देंगे, वो सारा क्या करते हैं, उसको लोभ दे देते हैं। तो जो साधु होता है वो चाहता है अच्छा चलो बड़ी जंगलों में तपस्या कर ली, थोड़ा आराम भी कर लेते हैं, तो आराम के चक्कर में कहाँ फंस जाता है, वो दुनियादारी में फंस जाता है। तो वो साधु जहाँ पे वो सत्व गुण में होता है कहाँ गिर जाता है आके, रजोगुण में। हाँ, रजोगुण में, रजोगुण में, रजोगुण से और नीचे गिर जाता है, फिर तमोगुण में, तो वो योग भ्रष्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम कहीं से भी गिर सकते हैं, अगर हम साधु हो भी जाएं और अगर हमारे पास गुरु ना हो, तो हम या गुरु हो या गुरु का त्याग कर दें या गुरु को भूला बिसरा कर दें, तो सत्वगुण से वापिस हम लोग तमोगुण में गिर सकते हैं, रजोगुण से भी तमोगुण में गिर सकते हैं, और तमोगुण से रजोगुण में उठ सकते हैं, रजोगुण से सत्वगुण में उठ सकते हैं, और तीनों से बाहर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो चित्त में तीन गुण रहते हैं, पांच पांच वृत्तियां रहती है, ये भी पढ़ा था। अच्छा, हाँ जी, ऐसा होता है क्या कि जैसे जैसे हम तमस गुण में अभी, तो मतलब एकदम से वो सत्व गुण में पहुंच जाए तमस से सीधे? नहीं बेटा, सीधे नहीं पहुंच सकते, सीधे नहीं पहुंच सकते, पहले तमस से रजस में ही पहुंचेंगे, ठीक है, फिर रजस से सत्व में पहुंचेंगे, सीधा तमस से सत्व में नहीं पहुंच सकते। मतलब सत्व से तमो तक लगा, मतलब एक डायरेक्टली पहुंच सकते? नहीं 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 बेटा नहीं, जैसे भी जाएंगे वो एक एक वृत्ति ये स्टेप है बेटा, स्टेप्स है, या तो तमस से रजस और सत्व, या फिर सत्व से रजस और तमस आएंगे। अच्छा, एक एक वृत्ति चेंज होती है, प्रभावित होती है। अगर हम सत्व गुण का व्यवहार भी करेंगे ना बेटा, सोचो हम तमो गुण में है, हमने सत्व गुण, ये ध्यान करना, नाम जप करना, ये क्या है, ये सत्व गुण है बेटा, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तमोगुण जब शांत होगा तो पहले रजोगुण प्रभावित होगा,
काम हम सतो गुण वाला ही कर रहे हैं, कर्म हमारा सतो गुण वाला ही है, ठीक है, हमें खींच रहा है सतो गुण, लेकिन वो तमो से रजो को खींचेगा, फिर रजस से, फिर वो और भी नाम जब ध्यान करते रहेंगे तो वो ऊपर खींच लेगा, क्योंकि अच्छा। ये सारी जो चीजें है ना बेटा, ये प्योरिफिकेशन है एक तरह की, ठीक है, प्योरिफिकेशन है। तो प्योरिफिकेशन वन बाई वन ही होती है, जैसे फिल्टर काम करता है एक से दूसरा। हाँ। हमें तो साफ पानी चाहिए, हमने तो साफ पानी के लिए ही सारा प्रयोजन किया है, लेकिन पानी होते हुए कहाँ से आएगा, वो फिल्टर से अलग अलग स्टेजेस से होते हुए भी आएगा, ठीक है। तो ऐसा है। अच्छा चलो, अब जो है एक वृत्ति प्रधान रहती है हमेशा, दो वृत्ति प्रधान नहीं रहती, ठीक है। जैसे हम लोग सोचो तमोगुण में हम लोग हाँ। नाम जप और ध्यान कर रहे हैं, हमें बड़ी परेशानी होती है, लोग कहते हैं ना मेरे से नाम जप नहीं होता, मेरे से ध्यान नहीं होता, ठीक है, मैं क्या करूं, परेशान हो जाते हैं। तो उस समय वो जिस वृत्ति में होते हैं सतव वृत्ति धारण कर नहीं पाते, सतव सतव गुण का काम है नाम जाप ध्यान ईश्वर का, लेकिन वो कर नहीं पाते, क्योंकि कौन सी वृत्ति प्रधान रहती है, तमोगुण। तो वो सतव गुण का कोई काम होने नहीं देती, ना ही वो रजस गुण का कोई कार्य होने देती है। कोई कहे कि मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं ये करूंगा, ये संकल्प ले लिया, लेकिन वो तमस गुण में इच्छाओं के अधीन है, ठीक है। सोचो कोई बहुत मोटा आदमी है और वो हाँ। कहता है कि मैंने इस बार पतला होना ही है 6 महीने के अंदर, लेकिन वो तमोगुण की वृत्ति में है, इच्छा के उसमें है, तो उसकी इच्छा होगी वो खाए, हाँ। ये खा ले, थोड़ा सा खाने से क्या होता है, थोड़ा सा खाने से क्या होता है, और फिर कहता है एक दिन खाने से क्या होता है, 2 दिन खाने से क्या होता है, फिर वो खाता रहता है, कहता छोड़ो हटाओ क्या, वेट छोड़ना, जीने में जो मजा आया, खाने में जो मजा आया वो कहीं नहीं है, ठीक है। तो वो संकल्प नहीं ले पाएगा, क्यों नहीं ले पाएगा, क्योंकि तमोगुण वृत्ति इच्छा वृत्ति संकल्प वृत्ति को हावी होने नहीं देती, ठीक है। तो जब वो धीरे धीरे नाम जपेगा, नाम जपने की कोशिश करेगा, मेहनत करेगा कि नहीं करना है, नहीं करना है, क्योंकि तमोगुण प्रभावी तो होता है लेकिन उसमें रजोगुण और सतोगुण भी होते हैं, तभी तो हम नाम जप की तरफ सोचते हैं ना, कि नाम जप करना है, संकल्प करना है, सोचते तो है ना एटलीस्ट। तो ये सोच भी वो दबी हुई वृत्तियों से आती है, वो जागना चाहती है, वो प्रभावी होना चाहती है। तो हम अगर उनकी तरफ ध्यान दें, इसी को तो कहा है साधन, यानी कि दबी हुई वृत्तियां, जो अच्छी वृत्तियां हैं उनको जगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ऋषि कहते हैं साधन करना पड़ेगा। तो साधन का मतलब ही है कि हम किस वृत्ति में जाना चाहते हैं उस वृत्ति का साधन करेंगे, ठीक है। जैसे मेरे को यहाँ से जाना है, ठीक है, बाड़मेर जाना है, चलो ठीक है, यहाँ से जाऊँगा तो साइकिल पे तो नहीं जा सकता ना, ना मुझे या तो ट्रेन में जाना पड़ेगा या हवाई जहाज में आसपास जाना पड़ेगा। तो अब मैं अगर तमोगुण वृत्ति में हूँ तो मेरे को साधन, अगर मैं रजस, मैं अगर सत्व गुण में जाना चाहता हूँ तो मुझे साधन भी तो सत्व गुण का करना पड़ेगा ना। तो अगर तमस गुण में मैं चाहता हूँ कि मैं नाम जाप और ध्यान करूँ ताकि मैं उस वृत्ति में जाऊँ, तो ये साधन हुआ मेरा। तो गुरुदेव ही हम पे साधन देते हैं, ठीक है, हमें जो साधन देते हैं वो तीनों गुणों से बाहर जाने का साधन है वो सत्व गुण प्रधान, नाम जाप ध्यान है सत्व गुण, लेकिन वो हमें उससे भी बाहर लेके जाता है। अच्छा, सबसे मुक्त, हाँ, सब मुक्त करवा देता है। तो हम क्या बात कर रहे थे कि वृत्तीय तीन तरह के गुण होते हैं, एक गुण प्रभावी रहता है, दो जो रहते हैं वो दबे हुए रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम कोई साधन करते हैं उनके जो उनके अंडर आता है तो वो जागने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो पहले वृत्ति बड़ी होती है वो कहती है नहीं जागने दूंगी मैं तुझे, क्योंकि मेरा राज चलेगा, हाँ मैं ही मालिक हूँ, मैं ही बॉस हूँ, तो वो दबाती है उस चीज़ को, नाम जाप नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, मन नहीं लगेगा, नेगेटिव विचार आने शुरू हो जाएंगे। तो तमस की जितने भी गुण है ना वो सारे प्रभावी हो जाएंगे, मतलब हाइपर हो जाएंगे, ठीक है। कोई बीमारी जागृत हो जाएगी पुरानी, कल है तूने ध्यान कर देख ले, कर ले सतव गुण, कोई बीमारी पुरानी होगी वो जाग जाएगी, खुजली हो जाएगी, उबासी आने लग जाएगी, नींद आने लग जाएगी, टेंशन हो जाएगी, मृत्यु भय हो जाएगा, वो सारा आडंबर करती है, सारा कचरा लाके रख देती है सामने, कर ले साधन, अब करके दिखा नाम जाप ध्यान, देख तुझे बीमार कर दिया मैंने। तो वो उसको रोकने का सारा प्रयत्न करती है वृत्ति। लेकिन अगर फिर भी वो कहे कि नहीं मेरे गुरुदेव ही सर्वोपरि हैं, उनका दिया हुआ नाम जाप ध्यान मुझे किसी भी अवस्था में करना ही है, मैं नहीं छोड़ सकता उसको, चाहे मरूं चाहे जीऊं, कुछ भी करूं, लेकिन मुझे साधन करना है, तो वो वृत्ति जोर लगा के थक जाती है, बोला ये मानने वाला नहीं, तो फिर वो वृत्ति शांत होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो हार जाती है। और फिर रजस वृत्ति आती है कि मेरे को गुरुदेव ने बड़ा मनोबल दे दिया है, गुरुदेव ने मुझे ठीक कर दिया है,
गुरुदेव ने मुझे संकल्प शक्ति दे दी है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, तो ये करने कराने वाला वो समझने लगता है कि अब मैं कुछ करूँ, अब मैं ठीक होकर कुछ करूँ, ये करने के चक्कर में वो दूसरी वृत्ति में आ जाता है, रजस। ठीक है, नहीं करने से, नहीं करने वाली वृत्ति है तमस, कुछ नहीं करना, बस ऐश करनी है, खाना पीना सोना। हाँ, और रजस कहती है कि कुछ करना है। ठीक है, रजस वृत्ति क्या कहती है? कुछ करना है। और सतव वृत्ति क्या कहती है? बोला करने वाला तो ईश्वर है, मैं तो माध्यम हूँ। तो वो ऐसे बदलती रहती है धीरे धीरे। ठीक है, तो एक वृत्ति से दूसरी वृत्ति में हम जाते हैं। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि वृत्तियां पांच तरह की होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। फिर वो कहते हैं कि, फिर हम पूछते हैं कि गुरुदेव अच्छा ये वृत्तियों के नाम क्या है, तो वो वृत्तियों के नाम बताते हैं। ठीक है, वृत्तियों के नाम बताते हैं। अच्छा, माइक अपने अपने बंद रखो क्योंकि डिस्टर्बेंस आ रही है। हाँ, अच्छा, फिर वृत्तियों के नाम बताते हैं, कहते हैं प्रमाण, विप्रिय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। मैंने कहा ना कि ये चीज ऐसा नहीं कि रजस तत्व में निद्रा नहीं आती, उसमें तंद्रा लगती है, योग निद्रा भी लगती है। ठीक है, तो कौन सी निद्रा अच्छी है, कौन सी निद्रा खराब है, ये हमने बताया था कि जो हमें योग साधन में सहायता करे वो अच्छी है, जो योग साधन से दूर करे वो खराब है। तो पांच वृत्तियां हैं, जो कलिष्ट हैं वो हमें योग साधन से, हमारे साधन से, हमारी यात्रा से हमें तोड़ती हैं, और जो हमारी साधना यात्रा में हमारी मदद करे वो अक्लिष्ट। तो पांच प्रकार की। तो पहली का फिर उन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन किया था कि पांच प्रकार में से प्रत्यक्ष जो प्रमाण वृत्ति है वो तीन प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। ठीक है, ये तीन तरह की वृत्तियां हैं। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था, प्रत्यक्ष का अर्थ है कि जो सामने है, ये हुआ तो ये आ गया, देख लिया। ठीक है, प्रमाण का अर्थ होता है कि क्या प्रमाण, नतीजे। आगम का होता है कि जो चीज़ें हमें शास्त्रों से जो ज्ञान प्राप्त हो कि ये करने से ये होता है, कोई वेद, कोई ऋषि को पढ़ने से हमें पता चले कि ये करने से ये होता है, हमें प्रमाण प्राप्त हो किसी चीज़ का। ठीक है, और जो प्रमाण हमें कहते हैं, अगर कोई कहे भाई मुझे प्रमाण मिल गया, भगवान वगवान कुछ नहीं होता, वो बड़ी तपस्या करता था, वो तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो भगवान नहीं होता वो। ठीक है, तो उसको प्रमाण तो मिला लेकिन उसको नीचे ले गया, भगवान से दूर कर दिया। और वही प्रमाण अगर उसे कहे कि यार जब सब नहीं जाने तो भगवान की और तपस्या करो, और अच्छे से हमें करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो प्रमाण उसको आगे की तरफ लेके जाएगा। तो प्रमाण को हम कैसे देखते हैं ये हमारी स्थिति पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दूसरी जो वृत्ति थी वो थी विप्रयय। ठीक है, विप्रयय में हमने क्या किया, कहा था कि हम देखते हैं कुछ और हम सोचते हैं होगा कुछ और भी तो हो सकता है, तो रूप को हम कोई और रूप समझ ले वैसे। तीसरी आई थी विकल्प, कि सुना कुछ और समझ लिया कुछ और, तो विकल्प तीसरी आई थी। चौथी आई थी निद्रा, है ना? हाँ, निद्रा। तो निद्रा पे हमें विजय पाना होता है, जब हम ध्यान करते हैं तो हम जागृत होते जाते हैं, धीरे 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 जागृत होते हैं, तो हमें निद्रा पर विजय तब मिलती है जब हम पूर्ण रूप से जागृत हो जाए, तो तब तक निद्रा आती है। फिर निद्रा दो प्रकार की होती है, एक वो जो हमें स्वस्थ करे, एक वो जो हमें कहे कि और सो जाए। ठीक है, तो ये दो प्रकार की है, इसमें भी भेद होता है। योग निद्रा बहुत अच्छी होती है, ठीक है, तंद्रा अच्छी होती है, क्योंकि वो हमें हमारे अंदर से क्लींस करती है। और जो निद्रा हम सिर्फ शरीर की पूर्ति के लिए करें कि सो जाओ यार, खा लिया पेड़ सो जाओ, उसमें करना, जो निद्रा हम अपने लिए, अपनी साधन के लिए करते हैं, वो निद्रा अच्छी होती है। ठीक है, योग निद्रा। फिर उसके बाद स्मृति होती है। स्मृति का अर्थ है कि कुछ भी याद आ जाए पुरानी चीज़, उससे हम या तो शोकग्रस्त हो जाएं, यार ये क्या किया मैंने, ये मैं तो अच्छा साधक नहीं हूँ, मैं तो बेकार साधक हूँ। लोग कहते हैं ना, मैं अच्छा साधक नहीं हूँ, मैं फालतू साधक, ऐसे अपने आप पे आरोप लगाते हैं। उनको कोई स्मृति याद आ जाती कि मैंने तो ये किया था, मैंने तो वो किया था फ्यूचर पास्ट में, भविष्य पहले, मैंने पहले ये किया था, तो मैं अब अच्छा नहीं हूँ, मैं ख़राब हो गया हूँ, तो उनकी स्मृतियाँ उन्हें और डुबो देती हैं। ये चित्त ही करता है सारा खेल, उनको पता नहीं चलता। लेकिन जो साधक कहता है कि जो भी किया मैंने, वो कोई बात नहीं, गुरुदेव ने तो मुझे एक्सेप्ट कर लिया ना, तो बस गुरुदेव ने मुझे माफ़ कर लिया। अगर गुरुदेव मुझे मिल गए हैं, गुरुदेव मेरे साथ हैं, तो मैंने जो भी किया, अपना माइक बंद रखो बेटा, वो बहुत ये आ रही आशना बेटा, बहुत डिस्टर्बेंस आती है आपके माइक से। हाँ, तो
वो कहता है कि जब मुझे गुरुदेव ने ही एक्सेप्ट कर लिया है, गुरुदेव ने मुझे स्वीकार कर लिया है, तो उनको तो पता है कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है। तो जब गुरुदेव ने मुझे माफ़ कर दिया तो मैं अपने आप को कटघरे में क्यों खड़ा करूँ? अब मेरा काम है कि गुरुदेव ने मुझे सिलेक्ट किया है, गुरुदेव ने मेरा चयन किया है और उन्होंने मुझे काम दिया है, गुरु कार्य दिया है, वो कार्य है नाम जाप ध्यान और उनके प्रति हमेशा समर्पण। तो अपनी पुरानी स्मृतियों को भूल जाता है, जो भी बुरा वक्त उसने देखा है, जो भी अपमान उसने सहा है, जो भी उसके मन में था कि मैं ऐसा हूँ या ये नहीं मिला मुझे जन्म से, वो नहीं मिला मुझे, पैसा नहीं मिला, या मैं रोगी रहा हूँ, या फिर मैंने ये काम किया, या मैंने कुछ भी गलत काम किया, लेकिन अगर जीवन में गुरु आ गए तो उन्होंने कहा कि मैं तुझे सारी चीज़ों से माफ़ करवा दूंगा बेटा, तू बस ये नाम कर ले। तो स्मृति जो पुरानी होती है, अगर वो हमें गुरु की तरफ लेके जाए, साधन की तरफ लेके जाए, तो वो अच्छी है। और अगर हम स्मृति में डूब जाएँ और गुरु का यही ना सोचे कि गुरु ने चयन कर लिया तो हमें बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी हम कहते रहे कि नहीं मैं तो अच्छा नहीं हूँ, मैं बेकार हूँ, सारे अच्छे हैं, सारे नाम जाप कर रहे, किसी को लाइट दिख रही, किसी को नाद सुन रहा, वो सारे अच्छे हैं लेकिन मैं ख़राब हूँ, ऐसी ऐसी वृत्ति में बहुत साधक फंस जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें नाद सुनाई नहीं दे रहा है, या फिर हमें कोई हमें परिवर्तन नज़र नहीं आता है, वो लोग गुरु को जीरो कर देते हैं, गुरु को एब्सोल्युटली जीरो कर देते हैं, गुरु का उनके जीवन में होना महत्व रहता ही नहीं, मतलब बिल्कुल कहते हैं कि क्या गुरु है तो क्या हुआ, मेरे में तो कोई नहीं। अब आप कुछ फर्क आने में कुछ टाइम तो लगता है। हाँ क्या बात, क्या बात तो क्या बात है फर्क आने में कुछ टाइम तो लगता है, ये बेटा तुमने बहुत अच्छी बात कह दी, वैसे बहुत पते की बात है ये। अब मैं इस बात पे फिर से कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को सिद्ध योग में कुछ नहीं होता, ना ध्यान लगता है ना कुछ लगता है, सबसे महत्वपूर्ण पूरे सिद्ध योग पूरी साधन पूरी साधना की जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट होना क्या चीज़ होती है, कोई बता सकता है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है? गुरु। गुरु का तत्व। हाँ गुरु का मिलना सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है जीवन में? गुरु का गुरु मिलना साथ होना। आज मुझे शांभवी नहीं लगी, मुझे गुरु मिल गया, मुझे नाद नहीं मिला, मुझे गुरु मिल गया, मेरी बीमारी मुझे स्वस्थ नहीं मिला, मुझे गुरु मिल गया। ऐसी कौन सी वस्तु है जो गुरु से ऊपर है? गुरु के मिलने से ऊपर कोई वस्तु है नहीं। तो फिर अगर क्योंकि किसी गुरु से बड़ा कोई नहीं है, गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। अब ये बात बच्चों को पता चल गई है, ये तो मेरा मन बड़ा खुश हो गया, चाय बनाओ भैया बढ़िया सी, वाह वाह क्या बात है, बढ़िया सी चाय बनाओ। अबे सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है गुरु। ठीक है, तो जिसके जीवन में गुरु आ गया उसको तो सारे विकार ही छोड़ देने चाहिए, कुछ हो नहीं हो क्या फर्क पड़ता भाई, अपने पास गुरुदेव हैं, अपने पास गुरुदेव का दिया हुआ काम है। लोग क्या समझते हैं गुरु कार्य क्या है? प्रचार करना, लोगों को बताना, वो भी है वो भी है, लेकिन पहला कार्य गुरुदेव ने आपको कौन सा दिया? किसी भी साधक को पहला कार्य कौन सा देते हैं गुरुदेव? नाम जाप करना, नाम जाप करना और ध्यान करना, नाम जाप करना, ध्यान करना और उनके प्रति भाई मैं हूँ इतना विश्वास रखना, ये पहला गुरु कार्य है। लोग करते ही नहीं क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि कुछ टाइम तो लगता ही है। हाँ क्योंकि उनको पता नहीं है कि गुरु ने आदेश तो दे ही दिया नाम जप करने का, और क्या चाहिए? नाम जप करोगे तो खुद ही हो जाएगा। हाँ तो ये गुरु कार्य है ना, गुरु ने कहा तू नाम जप, बाकी काम मेरा है, तू इधर देख, गुरुदेव गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, गुरुदेव ने कहा देख तू नाम जप करेगा तो पेट्रोल गाड़ी में डलेगा तो मैं गाड़ी चलाऊंगा। अब उसने नाम जब बंद कर दिया, उसने बोला कुछ हो तो रहा नहीं, और गुरुदेव की गाड़ी रुकी, गुरुदेव पूछ रहे अरे भाई गाड़ी रुक गई भैया क्या कर रहा तू? तो बोल रहा है कुछ हो तो रहा नहीं, बोला मैं तो हूँ, बोला आपके होने से क्या होता है, ना तो मुझे योग हो रहा है ना मेरी बीमारी ठीक हो रही है, आप गाड़ी चला रहे हो क्या फ़ायदा इस गाड़ी का? तो वो गुरुदेव कहते हैं कोई फ़ायदा नहीं मेरा, बोला नहीं आपका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, आपने जो काम दिया है वो मुझसे हो नहीं रहा, और आप अपना काम आप आपने जो कहा है वो भी नहीं हो रहा, ना तो आप काम के ना आपके नाम जाप काम का ना ध्यान काम का, तो गुरु पे पूरा पूरा इल्ज़ाम लगा देते हैं, पूरा जेल भेज देते हैं गुरुदेव का, आप दोषी हो, आपके योग से कुछ नहीं हो रहा, गुरु को दोषी बना दे दोषी बना देते हैं वो, तू चला तो मैं चलाऊंगा तू बस घुमा। हाँ
तो वो कुछ कर वो कहता मेरे से होता नहीं, परिवर्तन नहीं आता, तुम्हारे योग में दम नहीं, तुम झूठे हो, ऐसे कहते हैं बेटा लोग। तो बहुत तरह के लोग हैं दुनिया में जो गुरु की महत्ता को नहीं जानते, गुरु के होना होना ही महत्वपूर्ण है इसको नहीं जानते, बल्कि वो सिर्फ अपनी तरफ देखते हैं कि मेरा ये ठीक नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, वो सिर्फ अपनी तरफ ही देखते रहते हैं, गुरु की तरफ देखते ही नहीं। कहेंगे मैं गुरु से बहुत प्रेम करता हूँ, गुरु की सुबह शाम सेवा करता हूँ, नाम जप रेगुलर ध्यान करता हूँ, 6 महीने से कर रहा हूँ, 10 महीने से कर रहा हूँ, लेकिन मैं ठीक नहीं हो रहा। तो वो देख किधर रहे हैं? अपनी तरफ देख रहे, गुरु की तरफ तो देख ही नहीं रहे। वो तो ये वो सोच सिर्फ के, अपना सोच रहा है, गुरु का तो सोच हाँ ही नहीं रहे, वो गुरु सोच के बैठे हैं कि 1 किलो के भार, बारे में तो कुछ नहीं सोचते, बस खुद के बारे में सोचते रहते हाँ, सेल्फी। क्योंकि वो अपने अपने आप को देख के सिर्फ निराश होते रहते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, 1 किलो भजिया तलनी है, 1 किलो का पत्थर रख दिया और एक रखा, 2 रखा, भाई मैं 1 किलो तोल रहा हूँ लेकिन ये 1 किलो हो ही नहीं रहा है, तो उनका 1 किलो कभी पूरा ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो साधक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो समय के साथ अपने आप को कंपेयर करता है। उसे क्या करना चाहिए, उसे कंपेयर करना चाहिए खुद को खुद के साथ, ना कि समय के साथ, ना ही तुलना करनी चाहिए कि मेरे को ये मिला इससे तो हुआ, मुझसे नहीं हुआ। तो गुरु तो गुरु तो गुरु है, सूर्य तो सूर्य है, किसी को सूर्य की गर्मी में जाने से बहुत गर्मी लगती है उसको, वो हो जाता है, क्रैशेज हो जाते हैं ना। और कोई कहता है भैया मुझे सूर्य की धूप बहुत अच्छी लगती है, और एक कहता है भैया मैं जाऊंगा तो मुझे रैशेज हो जाएंगे। अब इसमें सूर्य का कसूर है क्या? नहीं ना, ये तो हमारी बॉडी के हिसाब से। अपने बारे में सोच रहा है कि मुझे वो हो जाएंगे, हाँ वो सूर्य के बारे में नहीं सोच रहा। हाँ वो सूर्य के बारे में नहीं सोच रहा, तो वो कह रहा है कि सूर्य तो यार बेकार में आ गया, इससे अच्छा तो बादलों में घिरा रहता, और जो किसान है उसकी फसल है वो तो कैसे उगेगी बिना सूर्य के, है ना। फिर बारिशें आ जाएंगी तो कहेगा, कोई कहेगा भाई मुझे तो बारिश से एलर्जी है, बारिश आती क्यों है। और किसान कहता है कि मैं कब बारिश होगी, कब मैं अन्न उगाऊंगा, कब खाना होगा, कब दुनिया को खाना मिलेगा, तो वो बारिश का वेट करता है। और जिसे एलर्जी आती है बोला बारिश क्यों आती है भैया, बारिश आनी नहीं चाहिए। तो हर साधक अलग होता है। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, हमें जो चीज़ मिली है, जो सबको मिली है, उसमें कोई दोष नहीं है, वो खुद पूर्ण है। ठीक है, जैसे आत्मा में कोई दोष नहीं है, दोष क्या है, चित्त में है, गुणों में है। तो हमें आत्म रूप में स्थित होना है, तो गुणों से ऊपर जाना है, इस चीजों से आगे जाना है। हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन में होता है गुरु है। अगर गुरु हमारे जीवन में नहीं था तब भी तो हम जी रहे थे ना, दुख और सुख आ ही रहे थे ना। अगर गुरुदेव आ गए हैं, उन्होंने नाम जाप दिया है, ध्यान दिया है, अगर अभी परिवर्तन नहीं आ रहा या नहीं पता चल रहा, तो हम उनको दोष क्यों दे। जब वो नहीं थे तब भी तो हमारा जीवन ऐसे ही चल रहा था ना। ठीक है, वो आ गए हैं तो उन्होंने कहा है मैं ठीक कर दूंगा, मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन मेरा काम तो करो। ठीक है, लेकिन अगर हम काम सिर्फ ये सोच के कर रहे हैं, 2 रुपए मिलेंगे, देखो देखो क्या कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं उनको, थोड़े दिन कर लिया और नहीं हो रहा जी छोड़ दिया। हाँ छोड़ दिया, बहुत बदमाश होते हैं बच्चे भी, बड़े बदमाश होते हैं। 2 दिन ध्यान करते, तीसरे दिन उनकी मम्मी कहती है ध्यान नहीं करती। तुम करते हो ना ध्यान, हाँ सब ध्यान करते हैं ना बच्चे, कोई छोड़ा तो नहीं किसी ने, कोई छोड़ा तो नहीं किसी ने। नहीं, रोज ध्यान लगाते हैं नियमित। आज ना बेटा, हाँ थोड़ा थोड़ा ध्यान लगने लगा, थोड़ी थोड़ी आंखें बंद, वरना नींद आने से पहले मेरी आंखें बंद नहीं होती, बहुत कोशिश करते हो। हाँ तो छोड़ना नहीं है ध्यान, बीच में शिकायत आई थी, मम्मा ने कही थी कि आसना बैठती नहीं ध्यान करने, ऐसा नहीं करना है बेटा। देखो तुमने खुद ही कहा है, लेकिन 10 दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं तुमने, लेकिन ऐसा नहीं करना है। रेगुलर बैठोगे ना? हाँ अच्छा, तो हम कहाँ थे, हम ये कह रहे थे कि जो महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे श्री गुरुदेव हैं, और श्री गुरुदेव का आज्ञा का पालन करना है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण वही है, हाँ सबसे महत्वपूर्ण वही है। हमारे लिए हाँ, तो हमने सौदा नहीं करना है कि गुरुदेव ये नहीं है, हम सिर्फ ये करते हैं कि हमने 10 दिन कर लिया, 20 दिन कर लिया, मेरा रोग क्यों नहीं ठीक हो रहा। तो यानी कि वो बच्चा होता है ना जो बाजार जाता है, कहता है ठीक है अच्छा, उसको बोलो पढ़ाई करने के लिए, ये असाइनमेंट पूरी कर ले, अच्छा मैं असाइनमेंट करूँगा तो मैं 10 से 12 खेलूँगा, मंजूर है? अरे भाई ये सौदा थोड़ी है। तो साधक भी ऐसे होते हैं, ठीक है मैं 6 महीने करूँगा तो मेरा ये रोग ठीक हो जाएगा, तो गुरु कहते ये कैसे, ये कोई सौदा थोड़ी है। कहते हैं ना लोग कि मैंने 6 महीने कर लिया, मैंने साल कर लिया, 2 साल कर लिया, तो मैं ठीक क्यों नहीं हुआ, है ना। बच्चे भी ऐसे करते हैं कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, 2 घंटे खेलूंगा भी,
अच्छा बेटा तो खेले, काम हो जाएगा तो तुझे खेलना ही है, काम हो गया तो खेलो, नहीं है तो भी पढ़ो। तो यही साधक की अवस्था है, साधक को लगता है कि मैं कर लूंगा तो मुझे दो, लेकिन उसे ये नहीं पता कि कितना करना है, किस भाव से करना है। गुरु का महत्वपूर्ण, गुरु क्या महत्व है, और गुरुदेव कहते हैं मेरे पास कोई खिलौना थोड़ी है, तूने किया 6 महीने और मैं तुझे दे दूंगा। अरे तेरा भाव भी होना चाहिए, यू शुड अर्न इट ऑल्सो। आपको ये चीज़ पानी है, मुझसे ये चीज़ आपको पानी है, मैं देने वाला नहीं, आप लेने वाले नहीं, ये ऑटो ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके पास, आप उसके काबिल हो गए। जैसे आपने क्लास 7 की है ना, क्लास 7 पूरी पढ़ ली, एग्ज़ाम हो गए, तो अपने आप कहाँ चले जाओगे, पास हो गए 8 में चले जाओगे। अगर पास ही नहीं हुए तो प्रिंसिपल का गला पकड़ोगे जाके, मैं पास नहीं हूँ, मैं पूरी पूरा 1 साल बैठा हूँ, मैं क्यों नहीं पास हुआ। बोले भाई तुम्हें पास नहीं हुए, तुम नंबर नहीं आए तुम्हारे, तुमने ठीक से पढ़ाई नहीं की। तो बोला सब सब तो चले गए मेरे साथ के। बोला हाँ लेकिन उन्होंने पढ़ाई की ना। तो हमारा जो अपडेट है, जो प्रोग्रेस है, वो अपने आप हो जाती है, उससे गुरु को धमकी देने की जरूरत नहीं है कि क्यों नहीं हुआ। सीधी चीज़ है ना, सिंपल चीज़ है ना। तो हमने क्या करना है, गुरुदेव का नाम जाप और ध्यान करना है, और गुरु से सवाल जवाब ज़्यादा नहीं करने, जो है उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके आगे बढ़ना है, इसी को बोलते हैं संतुष्टि। हाँ कई बार मन बड़ा विचलित हो जाता है, कई बार हम घबरा जाते हैं, तो गुरुदेव के आगे बैठ के नमस्कार करो कि गुरुदेव ये स्थिति मेरे समझ में नहीं आ रही, ये समस्या मुझे परेशान कर रही है और मेरी साधना में दिक्कत पैदा कर रही है, ये मुझे साधना करने नहीं दे रही है दिक्कत, तो मुझे इस दिक्कत से बाहर निकालो, मैं साधना करना चाहता हूँ, मैं आपकी तरफ बढ़ना चाहता हूँ। तो गुरुदेव भाव देखते हैं कि सच में ये साधना करने के लिए बोल रहा है या इसको ये दे दिया तो ये भागा बाहर। तो भाव होता है मन में, साधन क्यों करता है इंसान, गुरुदेव की तरफ क्यों आता है, बीमारियों से उसकी मुक्ति क्यों होती है। गुरुदेव क्या कहते हैं, समाधि से पहला नियम है रोग मुक्ति। तो रोग मुक्ति क्यों हो रही है बताओ, कि समाधि रख सके, है ना। तो अगर मैं कहूँ कि गुरुदेव मुझे साधन करना है, ये समस्या मेरी जो है ये मेरी साधना में विघ्न डाल रही है, मेरा मार्गदर्शन करो, ठीक है, मुझे बताओ कि कैसे मैं साधन कर सकूँ ताकि ये समस्या ना आए। तो समाधि की भी वही अवस्था है कि समाधि के लिए रोग मुक्त होना जरूरी है। तो गुरुदेव कहते हैं रोग अपने आप ठीक हो जाएगा क्योंकि तुमको समाधि लगानी है। रोग इसलिए ठीक नहीं होगा कि कल को जाके तुम वहाँ पे दारू पियोगे, ये करोगे, वो करोगे, नाचोगे गाओगे, कहोगे 500 साल जी के मस्त, ये पैसे कमा लिए, ये कमा लिए, ये बिल्डिंग बना ली, ये कर लिया, नाम कर लिया, शोहरत कर लिया, तुम्हें इसलिए नहीं, तुम्हें लंबा जीवन के लिए नहीं बल्कि जीवन मुक्त करने के लिए ये साधना हो रही है। तो हम साधन क्यों करते हैं, कि ईश्वर प्राप्ति है। जब हमारे जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आ जाती हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि गुरुदेव प्रभु ये सारा कुछ ठीक कर दो ताकि मैं जीवन फिर से जी सकूँ। एक तो ये हो गया, एक कहता है कि इतनी परेशानियाँ आ गई, इतना सब देख लिया, ये सब चल ही रहा है, अब ईश्वर तू मुझे अपनी तरफ खींच ले, मुझे कुछ ऐसा रास्ता दिखा दे कि मैं तेरी तरफ बढ़ जाऊँ। तो ये अलग चीज़ है, एक ने कहा कि ये सब ठीक हो जाए ताकि मैं सब वापस कर सकूँ, एक ने कहा कि मैं थक चुका हूँ अब मुझे अपनी तरफ खींच ले और ये समस्याएं जो है ये तू उसको हर ले, तो वो गुरुदेव की तरफ जाएगा। तो ये दो अलग अलग प्रार्थनाएं हुई, एक हुई ईश्वर पाने के लिए और एक हुई अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो जो प्रार्थनाएं हम साधन के लिए करते हैं, अपनी साधना के लिए करते हैं, अपनी आत्मा के लिए करते हैं, गुरुदेव की तरफ बढ़ने के लिए करते हैं, वो अच्छी हैं, वो अक्लिष्ट हैं। बाकी प्रार्थनाएं जो हम अपने संतुष्टि के लिए करते हैं, अपने सुख के लिए करते हैं, अपने जीवन में सुख पाने के लिए करते हैं, किसी को सुख देने या लेने के लिए करते हैं, तो वो हर रूप से, चाहे हम किसी को सुख देने के लिए कोई प्रार्थना करें कि गुरुदेव मेरे पास इतने रुपए आ जाएं तो मैं इतने लोगों को बांट दूंगा, ठीक है, तो ये भी अक्लिष्ट ही है। किसी को हेल्प करने के लिए भी अगर आप मांग रहे हो ना, तो भी क्या है, अक्लिष्ट है। क्लिष्ट वही है जो मुक्त है, जो कहता है कि नहीं चाहिए गुरुदेव, आप देख लो कैसे करना है, बस मुझे अपनी तरफ का रास्ता दिखा दो। तो हमने क्या आप देखा कि सबसे महान जो है, सबसे विशेष जो है वो गुरुदेव है, गुरुदेव का ध्यान है, और उसमें कोई भी अपनी व्यक्तिगत लालसा नहीं होनी चाहिए साधना में, ठीक है बेटा। चलो अच्छा, ये गुरुदेव कौन, नरहरि भाई, हाँ वो शब्द में शायद वो कंफ्यूजन हो गया, अक्लिष्ट और क्लिष्ट में, क्योंकि रिकॉर्ड भी होगा तो यार, तो आपको अच्छा, अक्लिष्ट होता है जो गुरु की तरफ लेके जाए और क्लिष्ट होता है जो नीचे लेके जाए, यही बोला ना, ये ठीक है, उसमें आप उल्टा बता दिया, अच्छा उल्टा हो गया। अच्छा अक्लिष्ट का अर्थ है जो आपको साधना की तरफ लेके जाए, आपको गुरु की तरफ लेके जाए, ईश्वर की तरफ लेके जाए, और क्लिष्ट का अर्थ है जो आपको नीचे लेके जाए,
ठीक कहा ना मैंने, मुझे ऐसे शब्दों में थोड़ा करेक्शन कर दिया करो, कई बार वो फ्लो में हो जाता है। अच्छा चलो, अच्छा ये पढ़ लिया था हमने, अभी आज हम रिपीट कर रहे हैं बेसिक, है ना। उसके बाद वो कहते हैं कि फिर हम, वो कहते हैं कि ये पांच वृत्तियां जिससे तू घिरा है, तो फिर हम पूछते हैं कि गुरुदेव ये पांच। हाँ जी बेटा, लालसा क्या होता है? लालसा मतलब लालच, लालच बेटे, लालसा का अर्थ है लालच। और व्यक्तिगत? हाँ जी, व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, मेरा काम हो जाए बस, मेरा काम हो जाए मतलब मेरा पर्सनल, अपने मतलब बारे में मेरा, सोचना बस, अपने बारे में सोचना हाँ बस, अपने अपने बारे बारे में में सोचना। हाँ जी बेटा, हाँ जी व्यक्तिगत, ठीक है, अपनी खुद की चीज, अपनी खुद से जुड़ी हुई समस्या, व्यक्तिगत, ठीक है। अच्छा और अगर तुमने अपनी कोई पीछे की बात याद आ गई तो उसे स्मृति कहेंगे। हाँ उसे स्मृति कहेंगे, बिल्कुल। निंद्रा? हाँ जी निद्रा, तो निद्रा बेटा सोना, ठीक है, पहनने वाला नहीं, वो जो हम सो जाते हैं। अच्छा चलो आज हम रिपीट कर रहे हैं। इसके बाद हम जो कह रहे हैं कि पांच वृत्तियां उन्होंने बताई, पांच तीन गुण बताए, पांच वृत्तियां बताई, पांचों वृत्तियों के बारे में बताया। उसके बाद वो बताते हैं कि हम कहते हैं पांचों वृत्तियां तो बार बार आती रहेंगी, आज मैंने किसी वृत्ति पे कर लिया तो गुरुदेव कल को क्या करूंगे। तो बोलते हैं जो मैं तुम्हें नाम जाप और ध्यान देता हूँ, तुम इसका अभ्यास करो, जब तुम इसका रेगुलर अभ्यास करोगे तो तुम्हारी तुम्हारी आदत क्या हो जाएगी, तुम्हारी डायरेक्शन क्या हो जाएगी कि मैंने ध्यान करना ही करना है, मैंने नाम जाप करना ही करना है, तो तुम सत्व गुण की तरफ बढ़ने शुरू हो जाओगे। जब बार बार अभ्यास करोगे सत्व गुण की तरफ जाने का, जैसे कोई खिलाड़ी है वो जंप लगाता है, उसको 6 फिट का जंप लगाना है, तो पहले बार में 3 फिट का लगाता है, फिर 4 फिट का, फिर 4.5 फिट का, फिर 5, 5.25, तो वो बार बार अभ्यास करता है। इसी तरह साधन में भी हमें नाम जाप और ध्यान का नियमित अभ्यास करने से हम अपनी वृत्तियों पर विजय पा सकते हैं, ये चीज़ वो आगे बताते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जो ये है, पहला था अभ्यास वैराग्य, वैराग्य आभ्यम तन्निरोधा, मतलब चित्त की वृत्तियों का निराध अभ्यास और वैराग्य से होता है। तो फिर कहते हैं उसके बाद तत्र स्थितो यत्र अभ्यासः, उन दोनों में स्थिरता के लिए जो प्रयत्न करना है वह अभ्यास है। तो पहले कहते हैं कि अभ्यास करना है, ठीक है, फिर अभ्यास को थोड़ा डिटेल करते हैं कि मन को स्थिर करने के लिए अभ्यास किया जाता है, क्यों किया जाता है, मन को स्थिर करने के लिए अभ्यास किया जाता है। फिर कहते हैं कि अभ्यास, ध्यान का अभ्यास करा जाता है। हाँ तो फिर कहते हैं कि अभ्यास करने से क्या होगा, बार बार अभ्यास करने से क्या होता है, तो कहते हैं लगातार बार बार अभ्यास करने से वो दृढ़ शक्ति वाला हो जाएगा, फिर तुम्हें कोई हिला नहीं सकता कि तुम्हें नाम जप करना, आदत पड़ जाएगी कि हमें ध्यान करना ही करना है। हाँ फिर आदत पड़ जाएगी, दृढ़ हो जाएगा कि करना ही है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लाइट आए जाए, बारिश हो, तूफान हो, बाहर क्या घटना घट रही है नहीं पता, लेकिन ठीक 6:30 बजे मुझे ध्यान करने बैठना है और मुझे नाम जप करना है, ये दृढ़ विश्वास हो जाता है। इससे फिर वो कहते हैं अच्छा चलो भैया अभ्यास कर लिया, रेगुलर कर लिया और उससे दृढ़ भी हो गया, फिर उससे क्या होता है कि वो कहते हैं कि वैराग्य से क्या होता है, तो कहते हैं जो हम सॉरी अभ्यास लगातार अभ्यास करने से क्या क्या होता है, तो बोलते हैं दृढ़ हो जाता है। बोलते दृढ़ता से क्या होता है, तो बोलता दृढ़ता से क्या होता है कि जो पहले हम काम कर रहे थे उसमें हमारा मन नहीं लगता, कि जो बेकार काम हम पहले कर रहे थे अब हम अभ्यास करते करते दृढ़ हो गए, अब हमारा मन लगने लग गया है किसमें, साधना में, अब मन नहीं लगता बेकार की चीज़ों में, यानी कि जो वृत्तियां थी ना उल्टी सीधी, जो वृत्तियां जो जो क्लिष्ट थी जो हमें लेके जाती थी, अब हमारा उनमें मन नहीं लगता बल्कि मन लगता है साधना में, परिवर्तन होने लग जाता है। तो बोला इससे क्या होता है कि तुम्हें वैराग्य प्रकट होता है। अब अभ्यास, रेगुलर अभ्यास, दृढ़ हो जाना और दृढ़ता से वैराग्य प्रकट हो जाना, किसमें, जो पहले काम कर रहे थे उसमें वैराग्य हो गया, कभी इच्छा नहीं होती करने की, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं कि दृढ़ वैराग्य से, दृढ़ अभ्यास से पृष्ठभूमि दृढ़ हो जाती है, साधना दृढ़ हो जाती है और क्या प्रकट होता है, पहला वैराग्य प्रकट होता है कि भैया ये मुझे अब अच्छा नहीं लगता करना। अच्छा फिर कहते हैं दृष्टा अनुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा, इसमें वो संज्ञा वैराग्यम, तो इसमें वैराग्य की वो डेफिनेशन बताते हैं कि जो अभ्यास दृढ़ होने से वैराग्य प्रकट हुआ है वो किसमें हुआ है,
कहते हैं देखे और सुने हुए विषयों में सर्वथा तृष्णा रहित चित्त की जो वशीकार नामक अवस्था है वह वैराग्य है। तो वैराग्य का अर्थ है कि पहले हम सुनते थे बस उसी में लग जाते थे, देखते थे उसी में लग जाते तो उसी को सच मान लेते थे, अब हमारी अवस्था वैसी नहीं है, अब हम अपनी दो इंद्रियों को अपने वश में करते हैं, जो सुना और जो देखा उसको ठीक है, लेकिन उसके पीछे भागना या उस जैसा सुना वैसा ही कर लेना वो वृत्त से हमें मुक्ति मिल गई है। वैराग्य का अर्थ है सुनी हुई चीज़ों को और देखी हुई सुनों को अंधविश्वास नहीं करना। हमने कहा था ना भैया उसने बोला कुछ मैंने सुना कुछ, उसने दिखाया कुछ मैंने देखा कुछ, तो इसमें हमारी मुक्ति हो जाती है। तो इससे मुक्त होने क्या है वैराग्य है। फिर कहते हैं अच्छा वैराग्य प्रकट हो गया, फिर भी नाम जप ध्यान करते रहना है, फिर भी अभ्यास करते रहना है, बोला हाँ फिर भी नाम जप, ये वैराग्य होने के बाद भी नाम जप और ध्यान आपने करते रहना, फिर बोला वैराग्य के बाद क्या हो जाएगा, तो फिर कहते हैं वैराग्य के बाद परम वैराग्य प्रकट होगा। तो बोल रहे परम वैराग्य क्या होता है, अब वो अगले सूत्र में कहते हैं कि तत्परम उसके बाद पुरुष ख्याते ख्यातेर गुण वै तृष्णयम। तो कहते हैं पुरुष के ज्ञान से जब बार बार हम अभ्यास करते हैं तो हमें अपनी आत्मा का ज्ञान होने लग जाता है साधना के माध्यम से, तो उस पुरुष के ज्ञान से जो प्रकृति के गुण हैं जिसमें हम फंसे हुए थे उसकी उसकी इच्छाएँ खत्म हो जाती हैं, उसका अभाव हो जाता है, और इसी को जब सिर्फ और सिर्फ आत्मा की तरफ दृष्टिभाव हो जाए, सिर्फ आत्मा की स्थिति हो जाए, तो गुणों के जो भी लक्षण होते हैं वो शून्य हो जाते हैं, रहते हुए भी प्रभाव नहीं देते, ऐसी स्थिति को परम वैराग्य कहते हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं कि परम वैराग्य कहते हैं इस प्रकार जो चित्त विरोध जो चित्त की वृत्तियाँ हैं वो निरोध हो जाता है, इसका वर्णन किया है कि परम वैराग्य प्रकट हो जाता है। पूरा बता दिया रास्ता, परम वैराग्य लास्ट स्टेट है बेटा, परम वैराग्य, परम वैराग्य तक पहुंचने के लिए जो पूरा उन्होंने वर्णन किया है। अब ये परम वैराग्य जो है ना बेटा, ये सेकंड लास्ट स्टेप है किसके, ये सारी प्रिपरेशन है। परम वैराग्य तक पहुंचना क्या है, प्रिपरेशन है, नाम जाप ध्यान है ना, या फिर साधन में आने वाला नाम जाप ध्यान नाद अनुसंधान जो भी साधना में आता है, परम वैराग्य तक पहुंच जाएंगे फिर हम रेडी हो गए। किसके लिए रेडी हो गए, अब समाधि के लिए, जिसे कहते हैं निर्बीज समाधि, फाइनल समाधि पाद। समाधि पाद तो हम कर रहे हैं कैवल्य पद बेटा, कैवल्य पद के लिए रेडी हो गए, कैवल्य पाद। हाँ तो परम वैराग्य हमें रेडी, परम वैराग्य का अर्थ है कहते भैया आज तुम रेडी हो गए, आज तुम यहाँ से अगली क्लास में चले जाओगे, या फिर आज स्कूलिंग होगी कंप्लीट, कॉलेज भी कंप्लीट हो गया, ठीक है आज तुमको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो परम वैराग्य का सर्टिफिकेट अगर मिल जाए तो इसका अर्थ है कि अब जो है निर्बीज समाधि लगेगी, चित्त अलग हो गया और दृष्टाभाव अलग हो गया, अब यहाँ पर समाधि लगेगी जिससे मुझे सारी सृष्टि का ज्ञान होगा, उसे कहते हैं निर्बीज समाधि, वो सबसे ऊपर यहाँ, ठीक है। यहाँ पहुँचने से पहले कौन सी अवस्था प्रकट होगी, परम वैराग्य प्रकट होगा, और वो कैसे प्रकट होगा वो भी बता दिया, ये बेटा संक्षेप में है हा? परम वैराग्य तो निर्बीज समाधि की अवस्था हो गई। जैसे अब सोचो किसी का परम वैराग्य हो गया, ठीक है बेटा, लेकिन उसको अभी समाधि लगी नहीं, और उससे पहले वो एक स्थिति में होते हैं, योगी एक स्थिति में पहुँच जाते हैं जहाँ पे उन्हें परम वैराग्य की अवस्था प्रकट हो जाती है, उनको किसी चीज़ का लोभ मोह लालच कुछ नहीं रहता, ठीक है। लेकिन अगर प्रकृति का रहस्य मालूम नहीं हुआ उनको भी, और उससे पहले ही वो देह से बाहर निकलते हैं या फिर देह को कंट्रोल करते हैं, जैसे भी अगर देह छूट जाए उनकी तो फिर से उनका जन्म होगा, अगर निर्बीज समाधि नहीं लगेगी तो वापिस जन्म होगा ही होगा, चाहे परम वैराग्य प्रकट हो गया था। अगले जन्म में जब वो जन्म लेंगे तो ऐसे परिवार में जन्म लेंगे जहाँ पर योग का प्रचार है, जहाँ पे योग का एक चल रहा है, विधि चल रही है उनके घरों में, तो वो डायरेक्ट जैसे ही वहाँ पे शुरू करेंगे अपना बचपन हंसी खेल में बिताएंगे, या फिर जितना भी उन्होंने करना है खेल कूद में मस्त रहेंगे, और एक दिन अचानक उनको समाधि लग जाएगी, ठीक है। एक दिन अचानक क्या देखेंगे कि उसकी समाधि लगी, चार दिन पाँच दिन की खेलते खेलते या फिर कुछ भी करते करते समाधि लगी, और उसको सारा ज्ञान प्रकट हो जाएगा,
अब ये जो स्थिति है इसकी, ये एक अवस्था है, ये किसकी अवस्था है, जिसकी यात्रा एक जीवन में कंप्लीट ना हो, अगले जीवन में जब वो आता है तो वहीं से शुरू करता है। सिर्फ समाधि लगनी बाकी थी, लगी नहीं थी, तो इस जीवन में लग गई और सारा ज्ञान हो गया प्रकट। तो ये एक स्थिति है, इसको उन्होंने, अच्छा ये बात अभी यहाँ पे होल्ड करना, निर्बीज समाधि का। अच्छा तो इससे पहले वो कहते हैं कि जो जो प्रिपरेशन हमने की है परम वैराग्य की, परम वैराग्य में और भी बहुत कुछ आता है। इस परम वैराग्य की स्थिति में हमारे पास परम वैराग्य और परम वैराग्य के बीच में एक स्थिति है जिसे कहते हैं संप्रज्ञात योग। निर्बीज कहते हैं असंप्रज्ञात, लेकिन वैराग्य और परम वैराग्य के बीच में सबीज भी है। संप्रज्ञात समाधि जिसे बोलते हैं उसमें भी प्रोसेस है। संप्रज्ञात समाधि में यानी कि वैराग्य और परम वैराग्य के बीच में अलग अलग प्रकार की छोटी छोटी समाधियाँ लगती हैं, जिसे हम कहते हैं वितर्क अनुगत समाधि, विचार अनुगत समाधि, आनंद अनुगत समाधि, अस्मित अनुगत समाधि। तो ये चार समाधियाँ हैं और इनके दो दो रूप हैं, टोटल आठ समाधियाँ। एक होती है विचार अनुगत, मैं बताता हूँ क्या होती है। एक होती है जैसे निर्विचार, एक होती है एक मिनट सविचार, हाँ सविचार निर्विचार, सविकल निर्विकल, ठीक है ये दो होती हैं। फिर एक होती है आनंद वाली, छह होती हैं शायद आनंद अनुगत, ठीक है। हाँ जी, क्लिष्ट होते हैं। नहीं नहीं बेटा, क्लिष्ट अक्लिष्ट अलग चीज है, ये समाधि अच्छी है ठीक है, लेकिन ये समाधि में भी हमें हमारी वृत्तियां बदलती हुई हमें नजर आती है ठीक है। इसमें क्लिष्ट और अक्लिष्ट रहता है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट परम वैराग्य तक रहता है, क्लिष्ट अक्लिष्ट रहता है ठीक है। तुमने एक तरह से ठीक ही बोला है कि क्लिष्ट अक्लिष्ट रहता है, लेकिन ये स्थिति अलग है बेटा। सविचार निर्विचार कोई ऐसा नहीं कि हमें ऊपर नीचे खींच रही है, अवस्थाएं हैं। क्लिष्ट और अक्लिष्ट जो है ये वृत्तियां हैं जो खींचती हैं, लेकिन निर्विचार सविचार होना एक स्थिति है ठीक है। अच्छा चलो, तो ये हमें जो वैराग्य और परम वैराग्य के बीच में जो तीन चीजें होती हैं उनमें वैराग्य होता है। जैसे हमने वैराग्य परम वैराग्य की बात की, तो वैराग्य शुरू जब होता है तो सबसे पहले वैराग्य किस पे होता है, ये समझो कि शराब है, वैसे ये चाय है, हाँ चाय भी जो है ये देसी चाय है। तो मुझे मेरे जैसे वैराग्य हो गया कि मैंने चाय पत्ती वाली चाय मुझे अच्छी नहीं लगी ठीक है। अब मुझे किस में वैराग्य हुआ, पहले बाहर की चीज़ों में हुआ ठीक है, फिर इंद्रियों में वैराग्य हो जाएगा, इंद्रियां डिमांड, अभी तो बाहर की चीज़ अच्छी नहीं लग रही, फिर इंद्रियों से वैराग्य हो जाएगा, फिर उसके अंदर इंद्रियां किसके कंट्रोल में है, चित्त में, तो चित्त पे वैराग्य हो जाएगा। तो तीन वैराग्य होंगे, बाहर जो चीज़ है उन चीज़ों को ग्रहण करने वाली चीज़ें और जिसके लिए ग्रहण कर रही है चित्त, ये तीनों का वैराग्य जब हो जाएगा तो अलग अलग स्थितियां प्रकट होती हैं, उन्हीं को ही हम कहते हैं विचार अनुगत, वितर्क अनुगत, आनंद अनुगत और लास्ट कौन सी थी, अस्मिता, अस्मित अनुगत। इनके अलग अलग रूप हैं, आठ, दो दो हैं आनंद, एक आनंद वाली, एक बिना आनंद वाली, एक अस्मिता वाली, एक बिना अस्मिता वाली, एक विचार वाली, एक बिना विचार वाली, एक वितर्क वाली, एक बिना वितर्क वाली, टोटल आठ ठीक है। तो ये आठ अवस्थाएं होती हैं जो वैराग्य से परम वैराग्य में जाती हैं, और ये आठ अवस्थाएं किन में प्रकट होती हैं, बाहर की वस्तुओं में, अपनी इंद्रियों में और चित्त की डिमांड में ठीक है। इसी को कहते हैं बदलना, वृत्ति बदलना, गुणों का बदलना, ये सारा कुछ इन तीनों के बीच में ही होता है, यही हमारी अवस्थाएं हैं वैराग्य से परम वैराग्य ठीक है। अच्छा ये पिछली बार हमने किया था, याद होगा। उसके बाद वो कहते हैं कि इन सारा वैराग्य प्रकट होने के बाद कौन सी स्थिति प्रकट होती है, तो वो कहते हैं विराम प्रत्यय कहते हैं उसको। जब ये परम वैराग्य हो जाता है तो उस स्थिति को कहते हैं विराम प्रत्यय, विराम प्रत्यय का कहते हैं विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेष अन्य ये है। तो इसमें कहते हैं कि विराम प्रत्यय का अभ्यास जिसकी पूर्व अवस्था है,
यानी कि परम वैराग्य जिसकी पहल जो अवस्था है वो किसकी अवस्था, किसके पूर्व की अवस्था है, जिसमें चित्त संस्कार मात्र ही शेष रहता है। चित्त रहता है, संस्कार रहता है, दुनिया उसके लिए रहती है लेकिन संस्कार मात्र रहती है। बेटा है, पुत्र है, हाँ है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे निभानी है, भागना नहीं है। तो संस्कार मात्र शेष रहता है चित्त का, लेकिन वो उसमें लिप्त नहीं रहता कि मुझे इसके लिए बिल्डिंग खड़ी करनी है, मुझे इसके लिए साम्राज्य खड़ा करना है, मुझे इसका ये करना है, वो करना है। करने वाला ईश्वर है, मैं जब तक हूँ मैं अपना पालन करूँगा। तो ये योग अन्य है कहते हैं, संस्कार मात्र ही शेष रहता है, वह योग अन्य है। यानी कि ये वो स्थिति है जहाँ पर वो मुक्त भी हो गया, चित्त से मुक्त भी हो गया, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास है ये वो जानता है, ठीक है। और ये इस अवस्था को कहते हैं विराम प्रत्यय। तो यहाँ तक योग और उसके साधनों का संक्षेप में वर्णन किया है। अब इसके बाद वो प्रवेश करता है निर्वीज समाधि में, पूर्ण रूप से मुक्त होता है। यहाँ पर उसको रहता है कि मैं पिता हूँ, माता हूँ, ये हूँ, वो हूँ, यहाँ तक उसको रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, वो लिप्त नहीं रहता इसमें, लेकिन अभी भी उसको प्रकृति का रहस्य मालूम नहीं हुआ। उसको ये तो मालूम हो गया कि मैं आत्मा हूँ और ये सारे रिश्ते मेरे धर्म हैं, हर जन्म में अलग अलग हैं और इस जन्म में मुझे निभाना है, योग प्रश्न होना, ये ज्ञान रहता है उसको, लेकिन ये ज्ञान रहता है लेकिन प्रकृति का ज्ञान नहीं रहता। वो उसको कहाँ मालूम होगा, निर्बीज में होगा। तो ये इस स्थिति में कितनी देर रहता है, वो स्थिति विराम प्रत्यय की है। अगर इस स्थिति में वो कहे कि मेरा बच्चा है, माया है, ठीक है, इसमें हो जाए, स्थिति कहने की बात नहीं है, स्थिति हो जाए और उसकी उसका देहांत हो जाए, शरीर छूट जाए, तो वो निर्बीज समाधि में पहुँचने वाला था लेकिन पहुँचा नहीं। अगले जन्म में ऐसे योगी को कहते हैं भव प्रत्यय योगी। यहाँ पे ऋषि कहते हैं कि इस स्थिति में अगर किसी की मृत्यु होती है तो अगले जन्म में जो पैदा होता है उसे भव प्रत्यय कहते हैं। सिर्फ निर्बीज समाधि लगनी बाकी थी, लगी नहीं, तो अगले जन्म में वो जन्म सिर्फ इसीलिए लेता है कि समाधि ले सके, क्योंकि समाधि लगे बिना प्रकृति का रहस्य मालूम नहीं और प्रकृति का रहस्य मालूम हुए बिना मोक्ष नहीं। तो निर्बीज समाधि मस्ट है, कंपल्सरी है मोक्ष के लिए। तो अगर तो लग गई तो उसके लिए साधन क्या रहा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। लेकिन अगर उसकी वहाँ पे मृत्यु हो जाती है, कौन सा प्रत्यय था ये, विराम प्रत्यय में अगर मृत्यु हो जाती है तो भव प्रत्यय के रूप में वो जन्म लेगा निर्वीज समाधि लगाने के लिए, और उसको किसी दिन अचानक समाधि लग जाएगी और उसको सारा ज्ञान हो जाएगा, पिछला अगला सारा ज्ञान हो जाएगा कि क्या है, क्या हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ। उसको फिर भाई सारा साधन शुरू से करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। गुरुदेव कहते हैं ना, ये ऐसा योग है भैया, जहाँ पे रुका अगले जन्म में वहीं से शुरू होगा। अच्छा, तो ये है भव प्रत्यय विद्रेह प्रकृति लय नाम। तो ये इसमें कहते हैं कि विदेह और प्रकृति लय योगियों का भव प्रत्यय कहलाता है, यानी कि वो योगी जो प्रकृति के साथ लय हो जाते हैं, ठीक है, अपने शरीर से मुक्त हो जाते हैं, शरीर के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन प्रकृति का रहस्य मालूम होता नहीं उनको, वो अवस्था में तो आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन रहस्य मालूम नहीं होता। तो ऐसे यहाँ पर भव प्रत्यय विदेह, विदेह का मतलब है देह से मुक्त हो गए, देह के मान से, लोभ से, गुणों से, वृत्तियों से मुक्त होके बैठे हैं, लेकिन रहस्य मालूम नहीं हो रहा था। तो 19वां जो ये था इसका सूत्र है, वो कहता है कि ऐसे योगियों को ये तो पूरी हो जाए या पूरी नहीं होगी तो भव प्रत्यय के रूप में जन्म लेंगे। 20वां अब वो कहते हैं दूसरे साधकों का योग कैसे सिद्ध होता है वो बतलाते हैं। ये तो उन्होंने बताया कि जो भव प्रत्यय होता है जिसको निर्बीज समाधि लगनी कैसे, लेकिन जो इसमें है विराम प्रत्यय में है उसको निर्बीज समाधि में जाना है। एक तो है विराम प्रत्यय से निर्बीज में जाना है लेकिन मृत्यु हो गई तो अगले जन्म में वो सीधा समाधि के लिए जन्म लेगा, लेकिन जिसकी मृत्यु नहीं हुई वो कैसे पहुंचेगा निर्बीज तक, विराम से निर्बीज तक कैसे पहुंचेगा उसका बताते हैं 20वें सूत्र में। कहते हैं श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इत रेशाम। कहते हैं
दूसरे साधकों का निरोध रूप योग श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा पूर्वक क्रम से सिद्ध होता है। इसमें कहते हैं किसी भी साधन में प्रवृत्त होने का और अविचल भाव से उसमें लगे रहने का मूल कारण श्रद्धा है, विश्वास है। श्रद्धा की कमी के कारण ही साधक के साधन की उन्नति में विलंब होता है, अन्यथा कल्याण के साधन में विलंब का कोई कारण नहीं है। साधन के लिए किसी अप्राप्त योग्यता और परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है, इसलिए सूत्रकार ने श्रद्धा को पहला स्थान दिया है। गुरु प्रति श्रद्धा विश्वास, श्रद्धा के साथ साधक में वीर्य अर्थात मन इंद्रियां और शरीर सामर्थ्य भी परम आवश्यक है। तो कहते हैं कि आप में श्रद्धा तो हो गई, आप में गुरु की पूर्ण श्रद्धा है, तो क्या आपकी निर्वीर समाधि लग जाएगी? बोले नहीं लगेगी। बोला निर्वीर समाधि के लिए श्रद्धा और गुरु के प्रति विश्वास होने के साथ साथ वीर्य अर्थात मन का शुद्ध होना, साफ हो जाना, पूरा क्लींस हो जाना, इंद्रियों का पूर्ण रूप से मुक्त हो जाना, इंद्रियों से शरीर का पूर्ण रूप से निरोग मुक्त हो जाना, ये परम आवश्यक है। निर्वीर समाधि के लिए जिनकी तो डेथ हो गई, वो बीमार थे या कुछ भी थे, तो अगले जन्म में जब वो जन्म लेंगे तो उनका शरीर इन तीनों चीज़ों से मुक्त होगा, इसीलिए उनको, क्योंकि वो कपड़े बदल गए उसके। ये समझने वाली बात है बेटा, बहुत ध्यान से समझ के रखना, ठीक है? जितने बड़े लोग भी सुन रहे हैं वो भी इस बात को ध्यान से सुनना कि मैं भूल जाता हूँ बार बार। विराम प्रत्यय से निर्वीर समाधि जाने के दो रास्ते हैं। पहला, विराम प्रत्यय में किसी की मृत्यु हो जाए, यानी कि वो बीमार है या कुछ भी है, कंप्लीट नहीं कर पाया, उसको वो होल्ड में रहा, ठीक नहीं हो पाया, या उसकी बनी रही वो स्थिति और उसने छोड़ दिया शरीर, तो अगले जन्म में उसको जो शरीर मिलेगा वो रिष्ट पुष्ट मिलेगा, बीमारी वाला नहीं मिलेगा, उसका मन स्वच्छ मिलेगा, इंद्रियों से मुक्त मिलेगा। वो ऐसे मुक्त हो सकता है इंद्रियों से, चाहे वो 15 साल का होने के बाद, 20 साल का होने के बाद, 30 साल का होने के बाद उसकी वो समाधि लगे। 30 साल में जिस तरह भी, जिस भी वृत्ति में वो रहता है, जिस भी गुणों में रहता है, वो ऐसे दूर हो जाता है, क्योंकि वो स्थिति उसने हासिल की हुई, बस उसको याद नहीं। तो उसके लिए सीधी समाधि का समाधि है भव प्रत्यय। लेकिन जो व्यक्ति विराम प्रत्यय में पहुंच जाते हैं लेकिन उनकी मृत्यु नहीं होती, उनके लिए रोग मुक्त होना अनिवार्य है निर्वीर समाधि में जाने के लिए। या तो अगला जन्म लो स्वस्थ जीवन निर्वीर समाधि डायरेक्ट, या फिर यहाँ पर परम वैराग्य के बाद पूर्ण रूप से मन का शुद्धिकरण, पूर्ण रूप से इंद्रियों का शुद्धिकरण, पूर्ण रूप से शरीर का शुद्धिकरण परम अनिवार्य है। इसके बिना आप प्रकृति का रहस्य नहीं जान सकते। गुरुदेव ने भी बात कही है कि बिना रोग मुक्त हुए प्रकृति का रहस्य नहीं जान सकते। और यहाँ भी पतंजलि ऋषि भी कहते हैं कि क्या कहते हैं, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम, पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि इसी से साधक का उत्साह बढ़ता है। श्रद्धा और वीर्य, इन दोनों का संयोग मिलने पर साधक की स्मरण शक्ति बलवती हो जाती है तथा उसमें योग साधन के संस्कारों का ही बारंबार प्रकट होता रहता है, अतः उसका मन विषयों से विरक्त होकर समाहित हो जाता है, इसी को समाधि कहते हैं। इससे अंतकरण स्वच्छ हो जाने पर साधक की बुद्धि रितंभरा सत्य को धारण करने वाली हो जाती है। इस बुद्धि का नाम समाधि प्रज्ञा है, अतएव वह वैराग्य की प्राप्ति पूर्वक साधक का निर्वीज समाधि रूप योग सिद्ध हो जाता है। गीता में भी कहा है, श्रद्धा वा लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धवा पराम शांति मचीरेणा छिगच्छाति। ये बहुत कठिन हो जाता है मेरे लिए पढ़ना, पर मैंने पढ़ दिया। जितेंद्रिय साधन प्रायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। इसको हम रिपीट करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है यहाँ पे समझना, लेकिन अभी ये समझ के रखो कि बिना ज्ञान के मुक्ति संभव, तो ज्ञान अति आवश्यक है, ठीक है? ज्ञान जो है अति आवश्यक है, क्योंकि ये वैराग्य की स्थिति तभी आ सकती है जब हमें ज्ञान हो जाए कि ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है,
और ये अच्छा क्यों नहीं है इसका ज्ञान हो जाए, ये अच्छा क्यों है इसका ज्ञान हो जाए, ये परम ज्ञान होता है। ठीक है, और ये ज्ञान गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है, गीता में भी ऐसा लिखा है। अब यहाँ तक तो हमने वैराग्य की अवस्था या कैसे प्राप्त होती है, शीघ्र अतिशीघ्र कैसे हो सकती है वो जाना है। आज के लिए टाइम हो गया 8:12, अपना 12 मिनट ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन बच्चों मुझे उम्मीद है कि आज जो हमने रिपीट किया है ना सारा कुछ, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया ना बेटा, तो इस सेशन को 1 घंटे का ही है, ज़्यादा बड़ा तो सेशन नहीं है, इसको एक बार देख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए कि पतंजलि जी गुरुदेव हमें क्या समझाना चाह रहे हैं और क्या चीज़ें हैं। ठीक है, चलो आज का सेशन यहीं तक, बाकी तो हम आज कोई प्रश्न नहीं लेते हैं, फिर भी यूट्यूब पे जो है हम एक बार घूम के आते हैं। यूट्यूब पे आप सबको जय श्री गुरुदेव। यूट्यूब पे पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आता कि क्यों भाग जाते हैं सब लोग आज, ये सोच के कि बच्चों के साथ है। और मैं ये बार बार कहता हूँ कि जितना महत्वपूर्ण सेशन सैटरडे का होता है उतना महत्वपूर्ण सेशन कोई नहीं, सबसे महत्वपूर्ण सेशन है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल सुबह के ध्यान में मिलेंगे। सर बच्चों आप सबको समझ में आई चीज़ें, सो गए क्या, कहाँ गए, अपना अपना माइक ऑन करो। हाँ जी अंकल जी। हाँ चलो जाग रहे हो, और कौन जाग रहा है? अंकल मैं भी जाग रही हूँ। अच्छा और कौन जाग रहा है? चलो कोई बात नहीं, जैसी गुरु इच्छा जिस तक पहुंचना है जरूर पहुंचेगा। आप सबको जय श्री गुरुदेव, कल सुबह जय श्री गुरुदेव, सुबह जय श्री, जय श्री भाई। एक सवाल ले सकते हैं? हाँ जी चलो, छोटा सा होगा तो ले लेंगे, नहीं तो कल कंटिन्यू करेंगे। बोलिए। थोड़ा कंफ्यूजन था उसमें कि गुरुदेव ने जैसे कहा है कि वेदांत प्लस योग ही पूर्ण दर्शन है। हाँ जी, तो एक बार अपन ने डिस्कस तो किया था, लेकिन वेदांत के नियमों को पालन करना भी क्या योग के लिए आवश्यक हो जाता है? नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर परंपरा चलती आ रही है फैमिली में तो उसको मान दिया जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वेदांत पालन नहीं किया तो योग सिद्ध नहीं होगा। योग कर लिया तो वेदांत का पालन अपने आप हो जाएगा। अच्छा, अकेला वेदांत पंगु है। हाँ, अकेला वेदांत पंगु है। योग का अर्थ ही है कि वेदांत को सिद्ध करना। यानी वेदांत योग में वेदांत इंक्लूड है वैसे पहले से ही? हाँ, योग में वेदांत पूरा है, तो अभी अलग अलग दिखता है लोगों को, वेदांती समझेंगे नहीं इस चीज को, तो उन्हें कहा जाता है योग प्लस वेदांत ही पूर्ण दर्शन है भैया, लेकिन देखा जाए तो योग से ही सब कुछ प्रकट हुआ है। और योग में वेदांत आ ही जाता है, इसलिए गुरुदेव ने कहा कि वेदांत प्लस योग ही पूर्ण दर्शन। हाँ, एक जगह मैंने भी बोल दिया था कि योग वेदांत के बिना पंगु है, वो स्टेटमेंट आप वो ऐसी है कि योग में ही वेदांत आ जाता, क्योंकि मैंने वेदांत नहीं पढ़ा नरहरि भाई। हाँ, लेकिन मुझे वेद समझ में आते हैं, अभी वेद बिना पढ़े भी मुझे समझ में आ जाते हैं, तो मैं अगर मुझे अगर समझ में आ सकता है, वेद समझ में आ सकता है बिना किसी के समझाए, अंदर से अगर गुरुदेव समझा सकते हैं, तो यानी कि योग वेद के साथ ही आता है। योग से ही वेद प्रकट हुए। हाँ, योग से ही वेद प्रकट हुआ है, इसलिए अलग से वेदों की वेदांत की साधना या उनके नियमों को फॉलो करना आवश्यक नहीं होता है। हाँ। जबकि व्यक्ति योग में आ जाता है, सिद्ध योग में आने के बाद उस पर वो नियम लागू नहीं होते। हाँ, उस पर वो नियम लागू नहीं होते, लेकिन परंपरा छोड़ नहीं पाते ना लोग। हाँ, वो एक सामान्य है, उससे योग डिस्टर्ब नहीं होता है, तो भी योग में प्रॉब्लम नहीं होगी, और नहीं करे तो भी योग में कोई मतलब बाधाएं नहीं आएगी। हाँ, कोई बाधा नहीं आएगी। क्योंकि ये जो अगर वेदांत प्रकट हुए हैं जीवन में तो योग से ही हुए होंगे, तो अगर सिर्फ योग ही महत्वपूर्ण होता तो वेदांत कभी लिखे ही नहीं जाते। लेकिन जीवन जीने में सभी अगर योग, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है कि सभी को योग मिलेगा, कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा क्या व्यवस्था होगी, तो उन्होंने वेद को प्रकट कर दिया कि जो लोग एक जीवन में मुक्ति नहीं होती, एटलीस्ट वेदांत के सहारे वो लगे तो रहें, अपने आप को इस काबिल तो बनाए कि हमने, अगर आज हमें योग की प्राप्ति हुई है ना नरहरि भाई, हाँ, तो हमने कहीं ना कहीं वेदांत का पालन किया है किसी ना किसी जन्म में, बिल्कुल बिल्कुल, तभी हम योग तक पहुंचे। तो वेदांत ने हमें उस काबिल किया कि हम उस परमात्मा से मिल सके। अगर मैं साधना नहीं करता शिव की, हाँ, तो मुझे गुरुदेव नहीं मिलते, तो वो वेदांत ही हुआ ना साधना करना भारतीय। हाँ, हाँ, बिल्कुल, तो मुझे योग तक पहुंचाने वाला भी वेदांत है। तो वो जो स्टेटमेंट मैं अभी फिर से कहता हूँ कि योग भी वेदांत के बिना पंगु ही है, डायरेक्ट योग प्रकट नहीं होता जीवन में। तो ऋषि मुनियों ने हमारे लिए पहले योग किया,
उस योग से होने, भगवान ने स्वयं ही योग करके वेद प्रकट किए और कहा तुम इन वेदों को धरो समझो ताकि तुम तक योग पहुंच सके, और एक बार योग पहुंच गया तब कंप्लीट हो जाता है दर्शन, बिना योग के कंप्लीट नहीं होता। अभी आपने बताया था कि हम गुरुदेव से अक्लिष्ट प्रार्थनाएं करते हैं कि ऐसा हो जाए जिससे मैं साधना कर सकूं, हाँ। तो ये ऐसा कहना जरूरी होता है, नहीं तो हम ऐसे ही कहे गुरुदेव आप जानो जैसा भी आप उचित समझे वैसा करो, इसमें वो सारी चीजें शामिल नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम अब किसके लिए, हम साधना की तरफ आगे बढ़ रहे। गुरुदेव ने कहा साधना के लिए नहीं, मतलब हम सब कुछ, कुछ भी नहीं, जो भी मेरे जीवन में करना है अब आप ही कर लो, मुझे पता नहीं कि मेरे लिए बेहतर क्या है। हाँ ये भी, ये भी, ये भी अच्छा है, ये तो बहुत ही अच्छा है, ये स्थिति तो बहुत ही अच्छी, पर साधक विचलित हो जाता है ना, बहुत विचलित हो जाता है कि कई बार तो इतना विचलित हो जाता है कि गुरुदेव से बात करनी ही पड़ती है, गुरुदेव यार इतनी दर्द हो रही है, ठीक है साधना में बैठ भी नहीं पा रहा, मतलब साधना में भी बैठ ना पाए, इतनी परेशानी हो जाए, तो कहे गुरुदेव साधना में तो बिठा दो, इतना तो कर दो कि साधना कर सकूं। हाँ, ये मतलब ऐसी परिस्थिति हो तो जैसे ऐसा कह सकते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है। अगर हम इसी धारणा में चले कि गुरुदेव जो भी करना है, जो भी जीवन की एक क्षण पल की घटना है वो सारी आपको ही करनी है, मतलब पूरा पूरा ऑपरेट आपको ही करना है, उसमें मेरी तरफ से कोई प्लस माइनस नहीं करना है, तो फिर गुरुदेव हमारे जीवन को वो जैसा चाहेंगे वैसा अपने आप को मोड़ लेंगे ना, उसमें अपने आप हमारी साधना भी होगी। आज मुझे ऐसा भी हुआ कि गुरुदेव की इच्छा के बिना शिष्य साधना भी नहीं कर सकता, हाँ। अगर वो नहीं चाहे ना तो नहीं कर सकते, हाँ, नहीं कर सकता, तो अब वो जब चाहे जैसा करवा दे, अब वो मैं बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, हाँ। वो वाले बात में कह रहा हूं, बिल्कुल वो तो, वो तो अच्छा ही है ना, हाँ वो अच्छा है, और ये बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि शब्द तो शरीर से है, तो शब्दों की तो, शब्दों को तो स्थूल से रिलेटेड है, लेकिन अंदर का जो भाव है वो तो बहुत सूक्ष्म है, और उससे भी सूक्ष्म है मौन, और सब कुछ तो वहीं से ही आया है, तो वो तो मौन की भाषा समझते हैं, ये तो हम विचलित हो जाते हैं, प्राणी है ना हमारी चेतना वहां पर होती है, तो हम गुरुदेव को कहते हैं गुरुदेव मुझे साधना करनी है, ये भी एक्चुअली ये भी कहने की जरूरत नहीं होती, पर प्राणी मतलब है ना, क्या करेंगे, चेतना वहां पर है तो क्या करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं मतलब कोई, वो तो आपने जैसे बताया कि ऐसी कोई परिस्थिति आए जिसमें हम विचलित होने की स्थिति हो तो गुरुदेव को प्रार्थना ऐसी कर सकते हैं कि, हाँ। अब जैसे मेरे ये विषय बनता है कि जैसे अभी अभी मैं बाहर आया हुआ हूँ, 7-8 दिन हो गए, हाँ। पिछले सेशन में भी नहीं आ पाता हूँ, बड़ोड़ा हूँ, अच्छा। तो मैं तो जैसे यहाँ है तो यहाँ एकांत भी कम रहता है और नाम जब या ना रात ये अपने नाद का भी सेटअप नहीं होता है पंखे वगैरह की आवाज में, तो अब और फ्री भी हूँ तो नाम जब अधिक से अधिक प्रयत्न रहता है तो भी ऐसा लगता है कि जैसे मैं वहाँ वास्ता की जाता था तो वहाँ पे मुझे एकांत भी मिल जाता है, फुल फ्री टाइम रहता है, तो वहाँ मैं ज्यादा बेहतर कर पाता हूँ, लेकिन अब मैं गुरुदेव से ये मांग भी नहीं पाता हूँ कि गुरु जी मुझे वहाँ भेज दो, पता नहीं गुरु जी, एक तरफ तो मैं कहता हूँ गुरुदेव आपको जो उचित लगे वो करो, तो मुझे पता है उनको वो कहीं मुझे भेजते हैं, फिर मैं कहूँ कि मुझे वहाँ भेज दो, तो ये कन्फ्यूजन था, इसलिए ये प्रश्न खड़ा हुआ। उन्होंने आपको भेजा यहाँ पर, उन्होंने भेजा आपको इसलिए है क्योंकि देखिए एक तो रहता है कि जल में रह के जल से ना भीगे, वो सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, तो आप एकांत में जो कर रहे थे अब आप यहाँ पर उसको सिद्ध कर लो तो वो उच्चतम स्थिति हो जाएगी। अच्छा अच्छा, तो गुरुदेव ने आपको भेजा है कि आप इस जगह पे भी अब कंट्रोल करो ताकि आप उच्च स्थिति को प्राप्त करो। जंगलों में जाके जो साधु तपस्या करते हैं कई वर्षों तक करते हैं क्योंकि वो संसार में नहीं रहते, ना उनका कोई विरोध करता है, ना लड़ाई करता है, ना झगड़ा करता है, ना उनको क्रोध आता है, ना काम जागृत होता है, औरतों से दूर रहेंगे, धन से दूर रहेंगे, तो जगत काम प्रकट नहीं होता, तो उनके लिए इजी है, ठीक है एक बार कर लिया वैराग्य तो ठीक है, लेकिन जगत में रह के इन सारी चीज़ों में रह के पार पड़नी थोड़ी सी मुश्किल है, तो अगर आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे साधना नहीं कर पा रहे, वहाँ पे साधना करने का आनंद ही कुछ और है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ से मुक्त होने की बात नहीं, आपको गुरुदेव ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है, आप जो गुरु जी जो भी कर रहे हैं, हाँ अच्छा ही कर रहे हैं, वो अच्छा ही कर रहे हैं। अभी क्या मेरे मिसेज के भी आंख के मोती आया हुआ है, लेकिन शुगर ऐसी स्थिति में रह रही है, अच्छा। कि ऑपरेशन का योग भी नहीं बन रहा है, 5 डॉक्टर को बदल दिया, उसी के लिए मैं यहाँ अभी भी आया हुआ हूँ, अच्छा। तो हॉस्पिटल जाते हैं और कहते हैं अभी तो शुगर है, अभी नहीं होगा, तो 5-7 दिन तो ये स्थिति हो गई, हाँ। गुरु जी ये भी कहती है, गुरु जी की पता नहीं क्या इच्छा है, हाँ। परेशान तो हो रहे हैं लेकिन वो है, परेशानी तो होती है, बिल्कुल, लेकिन गुरुदेव की पता नहीं क्या इच्छा है, हाँ। ऑपरेशन कहाँ करवाना है, कैसे करवाना है, वो गुरुदेव जाने,
अभी तक तो वैसा तो प्रार्थना नहीं हो पा रही है कि गुरुदेव अभी इसको ठीक कर दो, क्योंकि पता नहीं गुरुदेव क्या चाहते हैं। लेकिन ऐसा प्रश्न मतलब थोड़ा डिस्टर्ब नहीं, देखो इस स्थिति में जब आदमी परेशान हो जाता है ना तो गुरुदेव की तरफ करुण भर देख सकता है, उनकी तरफ करुणा से देख तो सकता है ना गुरुदेव। पर राशि भाई उनको सब पता है, पता तो सभी है हमको, वही तो बात है ना। ऐसा मैं मानू कि वो मेरे से दूर है और उनको प्रार्थना करनी है तो अलग बात है। अब ये पक्का है कि वो 24 घंटे वो सारा प्लान वही कर रहे हैं, भेज वो भी रहे, लाभ वो भी रहे हैं, चेक कर रहे हैं, वही है सब जगह वही है। तो फिर उनको जैसे वो अनजान तो है नहीं, तो मैं उनको क्या कहूँ। ये सारे के सारे हमारे टेस्ट होते हैं नरहरि भाई, सारा परिस्थितियों में डालते हैं वो लोग, वो जानबूझ के डालते हैं। उस घड़े में जा और उस घड़े का आवरण ले सकता है कि नहीं, पानी हुआ है कि नहीं हुआ, कि अभी भी पत्थर ही है। पत्थर तो अपना आवरण नहीं बदलेगा ना, चाहे उसे पतले घड़े में डालो बड़े में डालो, वो तो वैसे ही रहेगा, पानी बदल लेगा। तो उसको साधक को पानी बनाया, पत्थर से पानी बनाने वाली स्थिति है कि देखता हूँ इस स्थिति में कैसा क्या बिहेव कर रहा था, पानी हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि मैं खुद पानी हूँ, मेरे जैसा हुआ कि नहीं, मुझसे मिलने लायक हुआ है कि नहीं हुआ। तो सारी स्थितियों में हमें वही रहना चाहिए कि हम एक ही स्थिति में हैं, हम ध्यान और नाम जाप करते हैं, बाकी जो भी सामने आ रहा है उसका सामना करें बस। लेकिन डिफिकल्ट कर रहे हैं, कर वही रहे हैं, कर तो वही रहे, बिल्कुल वही चेक कर रहे हैं कि पानी हुआ कि नहीं हुआ। वो कहते हैं ना, बिगटा जल 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 ही समाना। तो जल जल ही समाना तभी होगा ना जब जल अंदर हो जाएगा, अंदर तो पत्थर है हम लोग, तो पानी में डूब जाएंगे, भवसागर में। भवसागर में पार होना है तो भवसागर बनना पड़ेगा। पानी होना मतलब हर स्थिति में के अनुकूल होना। हाँ, हर स्थिति में उसी दशा में रहना, उसी स्थिति में रहना, उसी विश्वास में रहना, वो चीजों में ही रहना और इसको एक्सेप्ट करना कि ठीक है, इसको मैं बदल नहीं सकता और जिसे मैं बदल नहीं सकता और गुरुदेव मालूम है हमारे साथ हैं, वो तो वही कर रहे हैं, दूसरा करने वाला है ही नहीं ना। परिस्थितियों में वही डाल रहे हैं, मैंने तो कोई परिस्थिति क्रिएट की थी, मैंने कुछ कहा नहीं अलग से, मैं यानी चित्त ने कुछ कहा नहीं। लेकिन अब रोज यही कहते हैं गुरुदेव आपको अच्छा लगे वो या आपको उचित लगे वो ही करना है, मुझे पता नहीं कि मेरे लिए बेहतर क्या है, इसलिए तो वही जाने, गुरु ही जाने कि शिष्य के लिए बेहतर क्या होता है। अब वो सारी परिस्थितियाँ क्रिएट कर रहे हैं, अब वही कर रहे हैं, तो उसमें से मैं कैसे कहूँ कि गुरु जी ऐसा मत करो कि वैसा मत करो, मेरा अधिकार क्षेत्र में भी नहीं। आप इस समय थोड़ी शांति बनाए रखें, मन को शांत करने का अभ्यास करें। मैं जानता हूँ थोड़ा डिफिकल्ट तो है, पेट दर्द हो तो मन में शांति कैसे होगी, लेकिन यही अभ्यास है, यही अभ्यास है। चलिए ध्यान रखिए अपना और भाभी जी का, ठीक है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, आप सबको जय श्री गुरुदेव। सुबह 6:30 बजे सुबह के ध्यान में आपसे मिलेंगे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा।